Okay, good evening everyone. Settle down quickly, Vibha. बैठो जल्दी. So, कल हमने बात की थी कि जीएसटी का जनरली पेपर पैटर्न क्या होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन टू जीएसटी. बेसिक्स में हमने क्या क्या देखा था, जीएसटी कैसे आया. देन वी ऑल्सो रिवाइज द टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सप्लाई. करेक्ट. अब उसके बाद का जो टॉपिक अपने रेगुलर बुक्स में है वो है एग्जम्पशन का टॉपिक. बट मैंने जैसे कहा, एग्जम्पशन के टॉपिक को वेटेज मार्क्स में कंपैरेटिवली कम है. देयरफॉर वी विल डू इट आफ्टर कंप्लीटिंग चार्ज ऑफ जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. सो टाइम ऑफ सप्लाई को हमने नाम दिया है टॉस, वैल्यू ऑफ सप्लाई को हमने नाम दिया है वॉस. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ चार्ज ऑफ जीएसटी. हियर इज द चार्ट ओवर हियर. नाउ चार्ज ऑफ जीएसटी को तीन हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है. इंट्रोडक्टरी पार्ट, ओके, या इंपॉर्टेंट थिंग्स, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट चार्ज. देन आरसीएम, विच इज द मेन कोर पार्ट ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी. एंड लास्ट जो हिस्सा है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंपोजिशन स्कीम. करेक्ट. तो वन बाय वन ईच क्विकली रिवाइज करते हैं. पहला है इंट्रोडक्शन, एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉम्पोजिशन के लिमिट्स में एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ता है. सो कई बार वो तुमको रेडीमेड इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर इतना है तो क्या होगा. तुमको वो अलग अलग सेल्स देंगे, सप्लाईज देंगे, और तुमको एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस निकालना पड़ेगा. देयरफॉर एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. मैंने तुमको एक हिंट दिया है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए. डेफिनेशन है बट हिंट क्या दिया है मैंने, ऑल सेल्स, फिर चाहे वो एग्जम्प्ट हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो निल रेटेड हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंटर स्टेट हो, ऑल सेल्स. करेक्ट. दैट विल कम इन टू द एग्रीगेट टर्नओवर. फिर मैंने आगे ये भी कहा कि ऑल सेल्स ऑफ व्हाट, ऑफ पैन इंडिया बेसिस. सो जीएसटी में भले ही मुक्ता कुंटे के 31 रजिस्ट्रेशन है या 30 रजिस्ट्रेशन है अलग अलग स्टेट में, हर स्टेट में शॉप है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है. सो मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है. सो जीएसटी सिस्टम के लिए अलग रजिस्ट्रेशन यानी अलग पर्सन है. बट फॉर द पर्पजेज ऑफ इनकम टैक्स, अगर इन सारे शॉप्स का पैन एक है तो सेंट्रल लेवल पे ये एक ही आदमी है. करेक्ट. तो अब गवर्नमेंट एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी में क्या कहता है कि भले ही जब जीएसटी पे करो तुम रजिस्ट्रेशन वाइज पे करो, बट जब लिमिट चेक करनी है तो हम एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पैन इंडिया बेसिस देखेंगे. पैन इंडिया यानी तेरा एक शॉप इधर है, एक शॉप उधर है, बट दोनों शॉप में, एक गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में है, तो जीएसटी में कितने रजिस्ट्रेशन हो गए, दो. स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, दो रजिस्ट्रेशन हो गए. अब ये दो रजिस्ट्रेशन में भले ही इधर का टर्नओवर और उधर का टर्नओवर अलग अलग हो, फॉर द पर्पजेज ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर वी विल एग्रीगेट. नाम में ही है देखो, एग्रीगेट. एग्रीगेट मतलब सब इकट्ठा करना. सो मेक श्योर दैट पैन जिन जिन शॉप्स का एक ही है, इनकम टैक्स में जो शॉप्स सब मिला के एक ही पर्सन है, वो सारे शॉप्स का, वो सारे प्रमाइसिस का टर्नओवर एडअप करना है. और जब आप एडअप करते हो तो क्या लेना है, ऑल सेल्स, चाहे वो एग्जम्प्ट हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो आईएसएस हो, आईएसएस यानी इंटर स्टेट सप्लाई, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो निल रेटेड हो. सिर्फ इसमें क्या नहीं लेना है, तो जीएसटी पोर्शन, जीएसटी नहीं लेना है. जीएसटी छोड़ के जो सेल वैल्यू है वो सारी एडअप करके देखना है कितना एग्रीगेट टर्नओवर है ऑन अ पैन इंडिया बेसिस. फिर एक दूसरा सवाल आया था कि ये ऑल सेल्स है, बट कई बार एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप जो चीजें खरीदते हो उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है पूरी, आरसीएम. करेक्ट. तो क्या वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करेगा, क्योंकि उनपे, उस पर भी टैक्स कंप्लायंसेस मैं ही करने वाली हूँ, परचेसेस पे भी. बट गवर्नमेंट ने कहा है नहीं, जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात होती है तो हमको सिर्फ फोकस आपके सेल्स पे रखना है, परचेसेस पे नहीं. सो देयरफॉर ऑल सेल्स एक्सक्लूडिंग आरसीएम इनवर्ड सप्लाईज. व्हाट इज आरसीएम इनवर्ड सप्लाईज? आरसीएम परचेसेस. सो भले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, भले ही टैक्स आपका है, भले ही कंप्लायंस आपका है, वो है परचेस ना, तो वो मत लो. सिर्फ क्या देखो, ऑल सेल्स. सो फॉर द पर्पजेज ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर दिमाग में रखना, ऑल सेल्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी, कंफर्टेबल ऑन अ पैन इंडिया बेसिस. गॉट इट? दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन. फिर हमने बात की थी मीनिंग ऑफ एफसीएम एंड आरसीएम की. क्या फर्क है एफसीएम और आरसीएम में? तो नॉर्मल कोर्स में मैंने एक डायग्राम निकलवा के आपको दिखाया था कि मैं सेलर, तुम बायर और ये गवर्नमेंट. नॉर्मली
सेलर बायर को चीज़ बेचता है, उस पर टैक्स लगाता है, वो टैक्स बायर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑफ अ सेलर. गवर्नमेंट ये चेक करने नहीं जाता कि बायर ने पैसा भरा नहीं भरा, कितना भरा, कौन बायर है, कहाँ पे रहता है, कोई लेना देना नहीं. जैसे मैंने तुमको तुम्हारा ये एग्जाम्पल दिया था, जब तुमने फीस भरी तब तुमने जो GST भरा, गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे आया क्या? GST भरो करके वो किसके पीछे जाएगा? एक्सपर्ट अकेडमी, बिकॉज एक्सपर्ट अकेडमी इज अ सप्लायर ऑफ सर्विस. सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GST पेमेंट इज ऑन सप्लायर. बट बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, आई एम शिफ्टिंग द मॉनिटरी बर्डन ऑन यू बट नॉट अ कंप्लायंस बर्डन. GST में रजिस्ट्रेशन मेरे को करना पड़ा या तुमको? मेरे को करना पड़ा. भले ही मॉनिटरी बर्डन फाइनली बेयर तुमने किया, बट रजिस्ट्रेशन में, रिटर्न में, तुमसे लेके भरना मैंने, लेट हुआ तो इंटरेस्ट मैंने भरना है. सो ऑल द कंप्लायंसेस बर्डन बाई डिफॉल्ट इज ऑन सेलर, सप्लायर. कंफर्टेबल? दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो दुनिया में 99% चलता है. 99% केसेस में ऐसे ही होता है कि हम चीज़ खरीदते हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड, उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, बट वो सेलर का है ना हेडेक. अपन ने पैसा दे दिया, काम खत्म. अभी वो गवर्नमेंट को भर रहा नहीं भर रहा, कब भर रहा, छुपा रहा, जो भी करेगा गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको पकड़ेगा, अपने को नहीं, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर लॉ इज ऑन सप्लायर. समझ में आ गया एवरीबडी? तो फिर ये RCM क्या है? RCM में एक्चुअली फाइनली टैक्स बर्डन तुम पे ही है, बायर पे ही है, बट सिर्फ टैक्स बर्डन है. पैसा दे दिया, काम खत्म, तुमको बाकी कोई हेडेक नहीं है. आज GST लॉ में बदलाव आया, तुमको हेडेक नहीं है एज अ बायर. एज अ स्टूडेंट तुमको हेडेक है, एज अ बायर तुमको हेडेक नहीं है. करेक्ट? GST में ये हुआ, GST में वो हुआ, GST रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई, तुम परेशान नहीं होते हो. क्यों? क्योंकि तुमने अपना पैसा देके काम खत्म किया है. अभी जो भी वो रिटर्न का हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का हो रहा है, वो सारा हेडेक सप्लायर का है. तुम्हारा सिर्फ काम था वो जो टैक्स बर्डन है वो तुमने बेयर कर लिया और पैसा दे दिया. करेक्ट? बट रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट कहता है कि हमको सेलर पे भरोसा नहीं है ज़्यादा, हमको बायर पे ज़्यादा भरोसा है. तो बायर को गवर्नमेंट क्या कह रहा है रिवर्स चार्ज में? बेटा बर्डन तो मॉनिटरी वैसे भी तू ले रहा है, एक काम करना, कुछ केसेस में हमको सेलर पे भरोसा नहीं है, हमको तेरे पे भरोसा है, तो वो कुछ केसेस में कंप्लायंस का बर्डन भी तू ही ले ले, रजिस्टर तू खुद ही हो जाना. करेक्ट? रजिस्टर तू खुद हो जा, रिटर्न तू खुद भर, टैक्स तू ही तेरा भर दे, उसको मत दे. तू उसको देगा, वो मेरे को देगा नहीं, तू ही डायरेक्टली दे दे. क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में मुझे भरोसा तेरे पे है, बायर पे है, सेलर पे नहीं है. कंफर्टेबल? ऐसा कब होता है? जब कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से चीजें खरीदता है. कंपनी ने इंडिविजुअल से कुछ चीज खरीदी, करेक्ट? तो एक्चुअली सेलर इज अ इंडिविजुअल, बायर इज अ कंपनी. लॉजिकली क्या होना चाहिए? वो इंडिविजुअल में टैक्स लगाना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, उसने GST में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, रिटर्न भरना चाहिए, टाइम पे वो पैसा भरना चाहिए. बट ये इंडिविजुअल मार्केट यार्ड में बैठा है शॉप में, उसको कुछ ज्यादा पता नहीं है, कुछ समझता नहीं है. मेरे को बताओ लॉजिकली एज अ गवर्नमेंट व्हाट स्टेप यू विल टेक? वी वांट टू एजुकेट देम, वी वांट टू टेक देम इन अ रेस, ऑल दैट इज सेड एंड डन. बट आज के दिन में तुम्हारा, गवर्नमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई टैक्स अच्छे से कलेक्ट हो जाए. तो तुम क्या सोचोगे? छोड़ो ना यार, वो इंडिविजुअल के पीछे पड़ने से अच्छा है कंपनी को कहते, यार तू खरीद रहा है, तेरे को पता है GST भरना पड़ता है, तू ऑलरेडी तेरे खुद के लिए रजिस्टर है, तो एक काम करना, ये उसको रजिस्ट्रेशन लेके उसको भरवा के तू खुद ही कर देना ये भी. दैट इज रिवर्स चार्ज. तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों से कही थी, क्या? कि रिवर्स चार्ज में कौन सा बर्डन शिफ्ट होता है. तो बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं मॉनिटरी, मॉनिटरी बर्डन है ही नहीं सेलर पे कभी भी. इनडायरेक्ट टैक्स में मॉनिटरी बर्डन हमेशा ही शिफ्ट होता है. मनी अपन टैक्स का बायर से ही कलेक्ट करते ना. सो फाइनली कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बायर ही बेयर करता है टैक्स. करेक्ट? तो फिर अब RCM में हम शिफ्ट क्या कर रहे हैं? कंप्लायंस बर्डन शिफ्ट कर रहे हैं. समझ में आया? सो FCM में मॉनिटरी बर्डन तुम पे, कंप्लायंस बर्डन मेरे पे. RCM में मॉनिटरी बर्डन तुम पे, कंप्लायंस बर्डन भी तुम पे. कंफर्टेबल? ये दिमाग में एकदम क्लियर है? 101%. ग्रेट. सो दैट इज FCM, RCM. फिर हम गए चार्ज की तरफ. सेक्शन 9 इज द चार्जिंग सेक्शन इन CGST एक्ट एंड सेक्शन 5 इज द चार्जिंग सेक्शन इन IGST एक्ट. अब इसमें 5 सब सेक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5.
सो 9:1 कहता है देर शैल बी लेविड अ जीएसटी सेंट्रल जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ इंट्रा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस अदर दैन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन अ वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 नॉट एक्सीडिंग 20%. बट ये कौन कह रहा है? सीजीएसटी एक्ट कह रहा है. यही कॉपी पेस्ट एसजीएसटी एक्ट में भी होगा. यानी टोटैलिटी रेट 40% के ऊपर नहीं जाएगा. इंडिविजुअल सीजीएसटी 20% के ऊपर नहीं जाएगा. इंडिविजुअल एसजीएसटी 20% के ऊपर नहीं जाएगा. फिलहाल मैक्सिमम रेट क्या है दोनों में? 14, क्योंकि 28 इज द अल्टीमेट रेट ना. 18 बोलोगे तो 9 हो गया ना. 28 में सीजी में 14 और एसजी में 14 है. 28% रेट है ना जीएसटी में. हैव यू अंडरस्टूड इट? सो नॉट एक्सीडिंग 20%. कंफ्यूज मत होना, ये एमसीक्यू में डाल सकते हैं. सीजीएसटी एक्ट कहता है नॉट एक्सीडिंग 20%, यानी इंटीग्रेटेड रेट नॉट एक्सीडिंग 40%. वरना बच्चे सोचते हैं मैडम आपने बोला था नॉट एक्सीडिंग 20%, ये देखो बिल में 28% जीएसटी लगा है. तो 28 में 14 ही सीजीएसटी है ना. मैंने कहा है 20% सीजीएसटी नहीं क्रॉस करेगा. सीजी ने कहा क्रॉस किया, सीजी तो 14 है. हैव यू अंडरस्टूड इट? सो 9:1 का रेप्लिका 5:1 में है. 5:1 कहता है देयर शैल बी लेविड एन आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इम्पोर्ट एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन अ वैल्यू डिटरमाइंड नॉट एक्सीडिंग 40%. आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 5 सेज नॉट एक्सीडिंग 40%. कंफर्टेबल? ये नॉट एक्सीडिंग 20, नॉट एक्सीडिंग 40 का चक्कर समझ में आया? एक्चुअली इमेजिन करो, सीजीएसटी एक्ट कहता है नॉट एक्सीडिंग 20, एसजीएसटी एक्ट कहता है नॉट एक्सीडिंग 20, आईजी कहता है मैं तो ये दोनों का एग्रीगेट हूँ, सो नॉट एक्सीडिंग 40. एज सिंपल एज दैट. हैव यू अंडरस्टूड इट? दैट इज 9:1, 5:1. फिर 9:2 कहता है देर शैल बी डेट नोटिफाइड बाय द काउंसिल फॉर द लेवी ऑफ जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट. सेम थिंग इज इन आईजीएसटी. कंफर्टेबल? डेट विल बी नोटिफाइड. 9:3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. 9:3 कहता है कुछ नोटिफाइड ट्रांजेक्शन्स में, 1% ट्रांजेक्शन्स में हमको सेलर पे भरोसा नहीं है. हमारा भरोसा सेलर से ज़्यादा बायर पे है. इसलिए उस केस में द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन ऑफ मॉनिटरी एज वेल एज कंप्लायंस इज शिफ्टेड ऑन अ बायर. अंडर विच चार्ज? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. सो 9:3 कहता है इन स्पेसिफाइड केसेस ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन द बायर टू पे द टैक्सेस टू डू द कंप्लायंसेस. 5:3 भी सेम कहता है, बट उसमें आईजीएसटी का आरसीएम है. सेम जो यहाँ आरसीएम में सर्विसेज है वही उधर भी है. सिर्फ आईजीएसटी के अपने को लर्न नहीं करने, क्योंकि आईजीएसटी में और दो एक्स्ट्रा है, बट अपने को आईजीएसटी एक्ट सीए फाइनल में स्टडी करना है. सो अभी अपने को सिर्फ फोकस 9:3 पे करना है. सो 9:3 अपन डिटेल में, मैंने आरसीएम सेकंड स्लॉट लिया है, उसमें डिस्कस करेंगे. फिर 9:4 और 5:4 कहता है अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन कुछ चीज़ें खरीदता है स्पेसिफाइड इन स्पेसिफाइड केसेस तो भी रिवर्स चार्ज लगेगा. अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहता है, देखो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है तो 9:4 इज ऑन यूआरपी टू आरपी. यूआरपी इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, आरपी इज रजिस्टर्ड पर्सन. Whereas 9:3 में दोनों आरपी होंगे तो भी रिवर्स चार्ज लगेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस. आई थिंक आदिति आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट? सो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड होने के बावजूद अगर आप 9:3 में जाते हो तो इट विल बी कंपल्सरीली आरसीएम. बट 9:4 में आना है तो एक पार्टी हैज टू बी यूआरपी. पॉइंट नोटेड. सो 9:4 भी डिटेल डिस्कशन अपन आरसीएम स्लॉट में करेंगे. एंड फाइनली 9:5 एंड 5:5 कहता है कि कुछ केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ना ही सप्लायर के ऊपर ना ही रेसिपिएंट के ऊपर. ई कॉमर्स ऑपरेटर इज दैट एग्रीगेटर, अमेजॉन, उबर. वो क्या करते, खुद नहीं बेचते, वो खाली बायर और सेलर को इंटीग्रेट करके कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते. तो कुछ केसेस में ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लायंस बर्डन है. तो ई कॉमर्स ऑपरेटर बोले अगर हम नहीं है इंडिया में तो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव से कंप्लायंस करवाओ. वो भी नहीं है तो अपॉइंट करो, राइट? दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर. अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल एट सीए फाइनल, करेक्ट? दैट्स हाउ इट इज वर्डेड. इट्स नॉट माय ओन वर्ड्स, वरना हर जगह तुमने लिखा हुआ है मीम्स में सीए फाइनल, बट दैट्स हाउ इट इज रिटन इन योर मॉड्यूल एज वेल इफ यू वॉन्ट टू क्रॉस चेक.
So, ECO we will discuss in CA final. See, I am telling you that you will be soon in CA final, na, isliye. So, section 5 and section 9. Understood? So, ek bar dobara dhyan dena. 9151, kya bolta? 9-1 बोलता है इंटरेस्ट रेट पे लगेगा अदर देन अल्कोहलिक लिकर ऑन द वैल्यू अंडर सेक्शन 15 नॉट एक्सीडिंग 20%. 5-1 क्या कहता इंटरेस्ट रेट पे लगेगा अदर देन एंड इंपोर्ट पे लगेगा अदर देन अल्कोहलिक लिकर वैल्यू डिटरमाइंड नॉट एक्सीडिंग 40%. 9-2 क्या कहता पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वील नोटिफाई द डेट. 5-2 कहता पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे IGST के लिए वील नोटिफाई द डेट. 9-3 क्या कहता कुछ केसेस में RCM में रिवर्स चार्ज में बायर भरेगा चाहे वो दोनों पार्टी रजिस्टर्ड हो ना हो डजंट मैटर. केस में कैच हो गए ट्रांजैक्शन में कैच हो गए तो 9-3 विल गेट ट्रिगर्ड करेक्ट. 5-3 भी सेम कहता सिर्फ फर्क क्या है फिर 5-3 9-3 में ये इंट्रा का बात कर रहा है ये इंटर का बात कर रहा. लोकल हुआ तो इधर कैच होगा इंटर हुआ तो इधर कैच होगा बिटवीन स्टेट्स हुआ तो 5-3 में कैच होगा. कंफर्टेबल. 9454 कहता कि URP टू RP इन स्पेसिफाइड केसेस देर विल बी अ रिवर्स चार्ज. एंड 9555 कहता इन स्पेसिफाइड नोटिफाइड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ECO पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. कंफर्टेबल. अब इस पूरे सेक्शन में क्या आने का चांस है ध्यान से सुनो. एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन नहीं आएगी उसमें सिर्फ तुमको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. जैसे कॉम्पोजिशन में वो तुमको अलग अलग सेल्स देंगे तो तुमको चेक करना है एग्रीगेट टर्नओवर कितना है. 9-1 to 9-5 एंड 5-1 to 5-5 में कुछ नहीं आएगा. आया तो MCQ में नॉट एक्सीडिंग 20-40 में कुछ तो आ सकता है. दैट्स इट. दैट्स द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट. सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में क्या है कल मैंने आपको बताया था 5th इज द कंपल्सरी क्वेश्चन. 6-7-8 में 6th कुड बी ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 6 कुड बी ऑन दिस. तो मेन दो पार्ट्स है. आप अपने आप को पेपर सेटर समझो. आप किस पे सवाल डालोगे 9192 पे के RCM कंपोजिशन पे. सो द कोर पार्ट यू नीड टू नो इज RCM एंड कंपोजिशन. सो अपन RCM में घुसते हैं. अब RCM में ध्यान से सुनो स्पेसिफिकली रिटन इन द मॉड्यूल गुड्स का RCM नॉट देयर फॉर द एग्जामिनेशन. मैंने आपको एनीवे बताया है कहाँ कहाँ पे RCM आता है बट गुड्स का RCM अपने को सिलेबस में नहीं है. स्पेसिफिकली बोला है उन्होंने आपको सिलेबस में सिर्फ सर्विसेज का RCM स्टडी करना है. पॉइंट नोटेड. हाँ तो अब 9-3 में कौन सी वो सर्विसेज है जिनमें RCM आता है एंड दिस यू नीड टू नो बाय हार्ट कुछ भी हो जाए. सो इसलिए अपन ने वर्ड बनाया है मिसेस बिग सैड गर्ल. फिर ऐसा हो गया था कि मैडम ठीक है वर्ड बना लिया बट वो अंदर के अल्फाबेट्स कैसे तो मैंने स्टोरी भी बना के लिया था. लेट्स रिवाइज दैट स्टोरी. क्या स्टोरी बनाया था मैंने. अच्छा M4 म्यूजिशियन टू म्यूजिक कंपनी फोटोग्राफर और आर्टिस्ट टू अ प्रोडक्शन हाउस राइट एंड ऑथर टू अ पब्लिशिंग हाउस. ये तीनों चीजें कवर की थी अपने M में करेक्ट. तो हमने कहा था स्टोरी एंड में करेंगे पहले रिवाइज कर लेते ठीक है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहता है म्यूजिशियन ऑथर या फोटोग्राफर से प्रोडक्शन हाउस पब्लिशिंग हाउस भले ही दोनों रजिस्टर हु इज मोर ऑर्गेनाइज सेक्टर. पब्लिशिंग हाउस प्रोडक्शन हाउस करेक्ट नो. सो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए उनके ऊपर. सो रिवर्स चार्ज में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सिर्फ तुम्हारे बैच में एक छोटा सा अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आया है कि ऑथर्स के लिए देर इज एन ऑप्शन. अगर ऑथर्स चाहे तो FCM में जा सकते हैं बट पॉइंट टू बी नोटेड म्यूजिशियन आर्टिस्ट फोटोग्राफर को ये ऑप्शन नहीं है. उनको कंपल्सरी RCM में जाना पड़ता है बट ऑथर को ऑप्शन आया है ये दिमाग में रखना है बिकॉज दिस इज एन अमेंडमेंट स्पेसिफिकली फॉर योर अटेम्प्ट. पॉइंट नोटेड. आगे बढ़े. R फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. अब जरा ध्यान देना रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट. अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में ध्यान देना मैं किराए पे गाड़ियां देती हूं मुझे दो ऑप्शंस है क्या आइदर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लूंगी और 5% GST लगाऊंगी या मैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके 12% GST लगाऊंगी. पॉइंट नोटेड. हाँ अब ध्यान से सुनो अगर मैं खुद बॉडी कॉर्पोरेट हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर तो चाहे मैं विथ ITC वाला ऑप्शन लूँ या विदाउट ITC वाला ऑप्शन लूँ मुझे चार्ज FCM में करना पड़ता है. अगर मैं कौन हूँ तो बॉडी कॉर्पोरेट हूँ तो ऑल ऑफ यू आर विथ मी कंफर्टेबल. बट अगर मैं अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूं अब मैं अनऑर्गेनाइज पर्सन बन गई
अनऑर्गेनाइज पर्सन बन गई। अब गवर्नमेंट कहता है देखो तुम ऑर्गेनाइज हो अनऑर्गेनाइज हो, बिजनेस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है ना, तो हमने सब जो लोग रेंट पे मोटर व्हीकल देते हैं उनको एक ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है? या तो ITC लो और 12% चार्ज करो, या ITC मत लो और 5% चार्ज करो। ये ऑप्शन सबको है। बट अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आपको FCM में कोई भी ऑप्शन चूज करो, FCM में टैक्स भरना है। अगर आप नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो तो 12 या 5 आप जो चाहे चूज करो। बट अगर आप 2 बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस दे रहे हो 5% लेके, मतलब विदाउट ITC नहीं लेना है आपको, या उल्टा जाती हो, अगर आप अदर पर्सन हो और बोलते हो चलो मुझे ऑप्शन है ना 5% या 12%, मुझे 12% लेना है विथ ITC, तुम गवर्नमेंट हो, मैं ITC लेना चाहती हूँ, क्या लगता है फॉरवर्ड चार्ज में रखोगे मेरे को या रिवर्स चार्ज में डालोगे? फॉरवर्ड में रखोगे क्योंकि तुमको चेक करना है मैं क्या ITC लेती हूँ, तुमको मैं चाहिए मैं रजिस्टर हो जाऊँ। RCM में डाल दिया तो मैं रजिस्टर नहीं होंगी ना, सामने वाला रजिस्टर होगा ना। सो 12% ऑप्शन जब चूज होता है तो हमेशा FCM होता है। अब रहा सवाल 5% वाला। अब 5% में भी अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं तो तुम बोलते कर भैया FCM में कर, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हूं तो तुम कहते अच्छा तू अदर पर्सन है, ITC का चक्कर नहीं है, 5% फ्लैट रेट लगाने वाला है, ITC नहीं लेने वाला। अच्छा ये बता सामने कौन है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में डालना है तो भी सामने वाला भी तो ऑर्गेनाइज चाहिए ना। सो सामने बॉडी कॉर्पोरेट है, तू नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, 5% विदाउट ITC में है, तो लेट द बॉडी कॉर्पोरेट डू द कंप्लायंस। समझा क्या मैंने आपके ऑप्शंस को स्क्वीज किया? देखो दोबारा एक बार बताती, ध्यान से सुनो, मोटर व्हीकल रेंटिंग कौन कर रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट ने किया तो आंखें बंद करके FCM खत्म। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने किया, पहला सवाल ITC ले रहा है नहीं ले रहा है? ले रहा है, FCM, बात खत्म। आर यू विथ मी? अब ITC नहीं ले रहा है, 5% GST ITC नहीं ले रहा है, अब आप सवाल पूछोगे क्या? अच्छा ठीक है चल, सामने कौन है? सामने बॉडी कॉर्पोरेट है तो RCM में तुझे छोड़ देंगे, सामने कोई और है तो भाई तुझे कैसे छोड़े, तुझे पकड़े उसे पकड़े एक ही बात है ना, दोनों अनऑर्गेनाइज्ड है, सो माइट एज वेल तुझे पकड़े। सो OP अदर पर्सन टू BC बॉडी कॉर्पोरेट, OP टू BC 5% विदाउट ITC RCM, OP टू OP FCM। पॉइंट नोटेड, दिमाग में बैठ गया अच्छे से, क्योंकि ये नया एडिशन है इसलिए मैंने इतना वक्त लिया इस पे। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल लास्ट बैच में नहीं था, इट इज़ एन एडिशन विद द नोटिफिकेशन, कंफर्टेबल IMP करके रखना है उसको। R नेक्स्ट, S फॉर स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट विल बी अगेन अंडर रिवर्स चार्ज। मैंने आपको एक्सपर्ट का एग्जाम्पल लेके समझाया था, जो पैसा देता है वो सर्विसेस लेता है, डोंट फॉरगेट दैट। सो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सरर, सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय द अदर पार्टी जिसको तुम स्पॉन्सर कर रहे हो, याद रखना वो। सो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज तुम दे रहे हो एक्सपर्ट एकेडमी को, तो रिवर्स चार्ज में एक्सपर्ट एकेडमी कंप्लायंसेस करेगी। ऑल ऑफ यू आर विथ मी? आगे बढ़े। सो मिसेस बिग, बी फॉर बैंक रिलेटेड सर्विसेज। अब बैंक रिलेटेड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई गेस सम 4-5 सर्विसेज आर देयर। उसमें हमने, अच्छा एक तो सीधा सीधा याद आ रहा है वो है बैंक्स में RBI ओवरसीइंग कमेटी का, हाँ फिर आई थिंक हाँ DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू बैंक्स, फिर वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स टू बैंक्स या एजेंट्स टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, वो मुखिया गांव का है ना, जो बैंक के बिजनेसेस को प्रमोट करता है विलेजेस में, इंटरमीडियरी करेक्ट, तो वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये तीनों नॉर्मली इंडिविजुअल होते हैं, ये सर्विस दे रहे बैंक को ऑन कमीशन बेसिस। क्या लगता है इनको रजिस्टर करवाए कि बैंक से कंप्लायंस करवाए? बैंक से। एंड RBI ओवरसीइंग कमिटी में भी यू आर आस्किंग RBI टू डू द कंप्लायंसेस, मेंबर टू RBI ओवरसीइंग कमिटी, मेंबर टू RBI सर्विस। एंड इसमें मैं और एक ऐड कर देती हूँ, या सिक्योरिटी में वो ऐड करेंगे, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी स्कीम, उसमें भी RCM है। बट फ्रैंकली ना बैंक्स में ना आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन, इसका डिटेल डिस्कशन थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बट इसमें आया सवाल RCM में तो सिर्फ क्या आएगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट या वो एजेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, सरपंच मुखिया हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक्स, तो वो RCM में है, ये दिमाग में रखना है, कंफर्टेबल। नेक्स्ट G फॉर, I फॉर
इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, सेम मैंने आपको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल लेके बताया था. इंश्योरेंस कंपनी एक है, एजेंट अनेक है. इंडिविजुअल हाउस वाइव्स नॉर्मली डू दिस जॉब टू प्रमोट द पॉलिसीज, सो उनका कमीशन रिवर्स चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी डज द कंप्लायंस. कंफर्टेबल? बढ़ू आगे. जी फॉर जीटीए या गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट लिया था हमने. सो गवर्नमेंट सर्विसेज, अब जरा ध्यान पूरा चाहिए. गवर्नमेंट सर्विसेज को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, एक एग्जम्प्ट, एक एफसीएम एंड एक आरसीएम. एग्जम्प्ट में मैंने तुमको कहा था ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, वो लाइसेंस देना, रजिस्ट्रेशन करवाना, करेक्ट. देन मैंने कहा था 5,000 के नीचे अगर ग्रॉस अमाउंट चार्ज्ड है तो. फिर मैंने ये भी कहा था ओल्ड एज होम गवर्नमेंट ने रन किया तो 60+ लोगों के लिए, राइट. तो ये सारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस दी तो ये सारी सर्विसेज पे गवर्नमेंट पे एग्जम्प्ट है जीएसटी, क्योंकि पर्सन में गवर्नमेंट है बट इन सप्लाईज पे हमने एग्जम्प्ट किया है, करेक्ट. तो फिर एग्जम्प्ट किस पे नहीं है? तो मैंने आपको कहा था कि तीन सर्विसेज गवर्नमेंट की एफसीएम में, फॉरवर्ड चार्ज में. और वो क्यों है? इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि वहां पे गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू प्राइवेट सेक्टर है. क्लासिक एग्जाम्पल इज स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस. कुरियर एजेंसी से डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा ना कि इनकी एग्जम्प्ट इनकी टैक्सेबल. तो इनको जो, वही गवर्नमेंट को. देयरफॉर कुरियर एजेंसीज को आप फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगा रहे हो ना, तो स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, एजेंसी एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये जब पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है तो भी क्या लगाया जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगाया जाएगा. टैक्सेबल तो ये है ही, प्लस फॉरवर्ड चार्ज में. पॉइंट नोटेड. बट ध्यान रहे, इनलाइन लेटर, अपना पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्स, मनी ऑर्डर, ये कवर नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट फंक्शन में है. वो कोई प्राइवेट पार्टी कर सकता क्या? नहीं कर सकता. कंफर्टेबल? देन सेकेंड कैटेगरी में मैंने बोला था प्रिसिंग्स, एयरपोर्ट या पोर्ट के प्रिसिंग्स में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लोडिंग, अनलोडिंग, पार्किंग वगैरह की, तो उसमें भी डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन है एंड देयरफॉर उधर भी अपन ने फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी रखा है गवर्नमेंट के ऊपर. एंड आखिरी में हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. तो ये हमने कहा था कि ये फॉरवर्ड चार्ज में है बट कुछ एग्जम्प्ट है और कुछ फॉरवर्ड चार्ज में है. जैसा पोस्ट ऑफिस में इनलाइन लेटर एग्जम्प्ट है बट स्पीड पोस्ट टैक्सेबल है, वैसे ही एसटी लाल डिब्बा एग्जम्प्ट है बट शिवनेरी टैक्सेबल है बिकॉज इट इज डायरेक्टली कंपीटिंग विथ मेट्रोलिंक और नीता वोल्वो और वॉट नॉट. हैव यू अंडरस्टूड इट? क्लियर? तो वो दिमाग में रखना है. कंफर्टेबल? सो दोबारा, तीन सर्विसेज एफसीएम में फॉरवर्ड चार्ज में, कौन सी तीन? पोस्ट ऑफिस की चार. कौन सी चार? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी. फिर प्रिसिंग्स में, प्रिसिंग्स मतलब एडजेसेंट एरिया ऑफ पोर्ट एंड एयरपोर्ट, वो सर्विसेज. देन टीजीटीपी, टीजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. कंफर्टेबल? ये सर्विसेज एफसीएम में. तो आरसीएम में क्या है? आरसीएम में दो चीजें हैं. वन, इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन पे जीएसटी है. एंड सेकेंडली, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट. रजिस्ट्रेशन लिमिट हम सीखने, रिवाइज करेंगे बट सीख चुके हैं, 40 लाख, 20 लाख. सो रजिस्ट्रेशन लिमिट के अगर आप बाहर हो एंड आप बिजनेस एंटिटी हो और गवर्नमेंट आपको सर्विस देता है तो वो आरसीएम में आप पे है. इसका मैंने क्लासिक एग्जाम्पल आपको दिया था, ये जो नियॉन साइन बोर्ड है ऑन संभाजी ब्रिज चौक, उधर वो लोकल अथॉरिटी का है. लोकल अथॉरिटी इज अ गवर्नमेंट. तो लोकल अथॉरिटी वहाँ पे अगर आपको एड, एक्सपर्ट एकेडमी को ऐड दिखाना है तो वो एडवर्टीजमेंट स्पेस रेंट पे लेना पड़ता है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स के मुताबिक, और वो रेंट देना पड़ता है. अब सर्विस कौन दे रहा है? एक्सपर्ट एकेडमी रेंट दे रहा है, मतलब सर्विस ले रहा है. तो सर्विस दे कौन रहा है? गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, रेंटिंग ऑफ नियॉन साइन बोर्ड और इलेक्ट्रिक एडवर्टीजमेंट बोर्ड. कंफर्टेबल? अब मेरे को बताओ गवर्नमेंट की सर्विस है, एग्जम्पशन में सीखी है क्या ऐसी कुछ रेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड वाली सर्विस हमने? नहीं. टू एक्सपर्ट एकेडमी, इज इट अ बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट? यस. तो गवर्नमेंट कहता है कि ये टैक्सेबल 100% है, एग्जम्पशन में हमने ये डाला ही नहीं है, 100% टैक्सेबल है. और बिकॉज बिजनेस एंटिटी हु इज मोर देन रजिस्ट्रेशन, सी मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट टर्नओवर मतलब विच इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी.
अगर एक्सपर्ट एकेडमी का टर्नओवर 20 लाख 40 लाख के ऊपर है तो एक्सपर्ट एकेडमी को जीएसटी में एनीवे रजिस्टर होना है, और उसको अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है जो टैक्सेबल है तो गवर्नमेंट करेगा कंप्लायंस कि इनसे करवाएगा, इनसे करवाएगा, तो वो आरसीएम है। सो गवर्नमेंट की दो सर्विसेज आरसीएम में, वन एनी सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, फिर चाहे वो बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो। कंफर्टेबल? हैव यू अंडरस्टूड इट वेल? चलो जी, हो गया। हाँ, सवाल है कुछ? ट्रांसपोर्ट ऑफ नहीं, वो ब्लॉक क्रेडिट में है, वो आते हैं हम बाद में, आईटीसी में बात करेंगे, बट कंफ्यूज मत होना, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में ब्लॉक क्रेडिट है, बट वो क्रेडिट ब्लॉक्ड है। अभी अपन चार्ज करने की बात कर रहे हैं, अपन परचेसेस की नहीं, अपन सेल्स की बात कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट, सो मिसेस बिग हो गया, सैड एस, सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये आईएमपी है, वीआईएमपी है, क्योंकि ये तुम्हारे टाइम का एडिशन है, ये लास्ट बैच में नहीं था। सो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन है, सॉरी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये ध्यान में रखना है। सो अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूँ और मैं सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, करेक्ट, टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम में सामने वाला कंप्लायंसेस करेगा। सिर्फ दो ही केसेस में ये क्लॉज ट्रिगर नहीं होता है, वो है जब मैं सिक्योरिटी सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती हूँ, तब ये क्लॉज कवर नहीं है, एंड जब मैं ये सर्विसेज कॉम्पोजिशन सप्लायर को सप्लाई करती हूँ तो ये क्लॉज ट्रिगर नहीं होता है। सो दो एक्सेप्शंस है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कंपोजिशन सप्लायर, इन केसेस में ये ट्रिगर नहीं होगा। बाकी केसेस में अगर मैं नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हूँ और सामने रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम में सामने वाला कंप्लायंस करेगा, आईएमपी, पॉइंट नोटेड। फिर वो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी सिक्योरिटी मैचिंग में उधर डाला तो भी चलेगा। नेक्स्ट, ए फॉर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट, सामने वाले पे कंप्लायंसेज है। नेक्स्ट इज डी फॉर डायरेक्टर, डायरेक्टर टू बॉडी कॉर्पोरेट और एनी कंपनी, उन पे कंप्लायंस है। फिर जी फॉर जीटीए, अब जीटीए में भी आपको याद आएगा दो ऑप्शंस है, 12% सेम ना जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला, 12% और आईटीसी है ना, तो उसको बोलने का चुपचाप एफसीएम में आ, क्योंकि तेरा आईटीसी मेरे को चेक कर, आई वॉन्ट कंट्रोल ऑन यू इफ यू आर नॉट सी, अगर मैं चार्जेबल नहीं हूँ और आरसीएम में सामने वाला सब करने वाला है तो मैं रजिस्टर होंगी नहीं ना सिस्टम में, तो आप चेक क्या करोगे मैं क्या आईटीसी ले रही क्या नहीं ले रही। सो देयरफॉर एक फंडा हमेशा दिमाग में रखना, जो आदमी को आईटीसी लेना है उसको एफसीएम में ही चार्ज करना है, खत्म, वरना आईटीसी लेके करेगा क्या एफसीएम में? एफसीएम में चार्ज नहीं है तो आईटीसी लेके सेट ऑफ किस में मारेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस, दैट द वन हु गोज फॉर ITC has to go for FCM. तो हम बात किसकी करेंगे रिवर्स चार्ज में, जो ITC नहीं ले रहा और 5% कंसेशनल रेट में जा रहा है। अब वहां पे हम कहते हैं सामने रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड फर्म, रजिस्टर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, इनमें से कोई है तो सामने वाला कंप्लायंसेस करेगा इन केस ऑफ GTA. पॉइंट नोटेड, एवरीबडी अंडरस्टूड इट? नेक्स्ट, आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी नया एडिशन है बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन ऑन दिस। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सलामी ट्रांजैक्शन, लीज, लॉन्ग टर्म लीज का प्रीमियम, ओके, या फिर TDR FSI जो दिया जाता है, वो जो बिल्डर को दिया जाता है, प्रमोटर को, तो वो प्रमोटर के हाथ में सारा आरसीएम है। इसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, आपको एक बार रिवाइज करवा के देती हूँ। मेरे को मेरा बंगलो गिरा के स्कीम रिकंस्ट्रक्शन में डालना है। अब जब रिकंस्ट्रक्शन में जाता है तो मैंने आपको बोला था नॉर्मली 30-35 साल होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग्स का। अब 30-35 साल पुराना लॉ खोल के देखोगे तो खुली जगह एक प्लॉट पे कितनी होनी चाहिए, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। सो 30 साल पहले गवर्नमेंट का रूल ये था कि अगर ये प्लॉट डेवलप आप कर रहे हो तो इतना ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बाकी प्लॉट खाली रखना है। पुराने लॉ में ज़्यादा जगह खाली रखी जाती थी। इवेंचुअली क्या हो गया, सिटी एक्सपांड हो रहा है, पॉपुलेशन साइज या ओवरऑल सिटी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, रियल इस्टेट प्राइजेस अप हो रहे हैं, तो इसमें ये लॉ रिवाइज करते हैं। उसमें फिर वो क्या बोलते हैं कि पहले हम बोलते थे इतना आपको कंस्ट्रक्शन करना है, अब हम बोलते हैं इतना कर सकते हो।
अब क्या होगा, यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी है और मैं ओनर हूँ लैंड एंड बिल्डिंग की. अब मुझे ये रीडेवलप करना है बिकॉज 35 साल हो गए, पुरानी हो गई है बिल्डिंग. एक बिल्डर अप्रोच हुआ और उसने मेरे को बोला कि मैडम मैं आपका कंस्ट्रक्शन का काम लेता. अब मैं उसको क्या बोलूँगी कि अब कंस्ट्रक्शन तो भैया इधर तक कर सकता, तो ये एडिशनल स्पेस का कंस्ट्रक्शन का राइट तुझे देने के लिए जो पहले नहीं था अभी TDR FSI में मिला, मैं कुछ कंसिडरेशन चार्ज करूँगी. तो मैं सर्विस दे रही हूँ उसको ये TDR एक्सपांशन और वो मेरे को पैसा देगा. समझ में आ रहा है? तो सर्विस मैं दे रही, सो FCM में चार्ज मेरे पे आना चाहिए, बट मैं इंडिविजुअल बिल्डिंग ओनर लॉजिकली किस पे डालना चाहिए कंप्लायंस बर्डन? RCM में बिल्डर पे. जेपा क्या देखो इस पे ज़्यादा सवाल, रियल इस्टेट सेक्टर ही इंटायरली फाइनल्स में है. आई डोंट नो ये ऐसे टुकड़े टुकड़े में क्यों उन्होंने ऐड किया है बिकॉज देन यू डोंट गेट अ फुल पिक्चर, बट एनी वे ये है तो अपने को करना है. एवरीबडी अंडरस्टूड इट? बाकी ये मैंने जैसे बोला आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन ऑन दिस इन द एग्जामिनेशन. आया गलती से MCQ तो दिमाग में रखना है. TDR मतलब अपना बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा स्पेस उसको दे रहे हैं, उसका चार्ज कर रहे हैं, तो उसको कंप्लायंस करने दो, अपन नहीं हेडेक लेंगे वो एक जगह के लिए. समझा? आगे बढ़ते. देन आई फॉर GI, अच्छा आई इमोएबल प्रॉपर्टी, आर रिकवरी एजेंट टू बैंक्स. ये गुंडा लोग होते हैं लोन रिकवरी वाले, अगेन उनसे कौन GST लेगा? सो बैंक्स पे कंप्लायंस बर्डन है. देन लास्टली L, लॉयर्स टू एनी बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट RCM में. कंफर्टेबल? अब मैंने स्टोरी क्या आपको बताई थी कि एक म्यूजिशियन है ना, म्यूजिक कॉन्सर्ट करने जा रहा है, करेक्ट? फिर R में अपन ने बोला था कि उसने गाड़ी हायर की उधर वेन्यू तक पहुंचने के लिए, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. फिर हमने बात की थी उसके स्पॉन्सरर्स है कौन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, राइट, एंड गवर्नमेंट. ये तीनों ने मिलके ये शो स्पॉन्सर किया है, करेक्ट? फिर हमने बात की थी कि S में सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर खड़े है, उसको अंदर जाना है वेन्यू में तो सिक्योरिटी वगैरह सब इंटैक्ट है. फिर I में हमने बात की थी, सॉरी S में स्पॉन्सर हो गया, B में बैंक्स था, ओके सॉरी पहले B बैंक इंश्योरेंस गवर्नमेंट स्पॉन्सरर्स है, S में सिक्योरिटी गार्ड्स. फिर हमने बात की थी चीफ गेस्ट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का हेड है एंड एक दूसरे कंपनी का डायरेक्टर या ऐसे कुछ तो बोला था मैंने. सो एक बड़े कंपनी का डायरेक्टर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का हेड ये वेन्यू में म्यूजिक कॉन्सर्ट ओपनिंग सेरेमनी करने वाले हैं, राइट? देन हमने बात की थी GTS है वो सारा, उसका स्पीकर्स एंड ऑल दैट नो म्यूजिक स्टफ केम टेम्पो में से GTA सर्विस, राइट? लास्टली हमने बात की थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो जो जहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाली ओपन एरिया, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने लिया था रेंट पे एंड ही इज डूइंग द कॉन्सर्ट ओवर हियर. एंड लास्टली रिकवरी एजेंट्स, पैसे नहीं मिले तो, एंड लॉयर उसने अपना साथ में रखा था, किसी ने पुलिस कंप्लेंट कर लिया आवाज नॉइज की वजह से, तो करेक्ट 10 बजे के बाद. सो देयरफॉर ऑल दिस स्टोरी एड्स अप टू योर ओवरऑल RCM कंप्लायंसेस. सो ये स्टोरी देने की वजह सिर्फ इतनी थी कि कभी कभी क्लिक नहीं होता है कि एम मतलब क्या, आई मतलब क्या. सो रिमेंबर म्यूजिशियन गोइंग टू अ कॉन्सर्ट एंड देन ट्राई आउट वॉट ऑल कॉम्बिनेशन कुड बी देयर. सो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं स्टोरी. म्यूजिशियन गोज टू म्यूजिक कॉन्सर्ट, M इज फॉर म्यूजिशियन, ऑथर, आर्टिस्ट एटसेट्रा, R फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. अब घर से निकला है तो कार हायर करेगा और वेन्यू तक जाएगा, वेन्यू तक जाने के बाद स्पॉन्सरर्स लगेंगे, स्पॉन्सरर्स में बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है और गवर्नमेंट्स है. देन सिक्योरिटी गार्ड्स उसको आइडेंटिटी चेक करके अंदर छोड़ेंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और डायरेक्टर चीफ गेस्ट है शो के. देन GTA से पीछे माल आ रहा है सारा, माल मतलब स्पीकर्स, ऑल राइट, माइक, स्पीकर्स, इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा. देन I फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, लैंड, वेकेंट लैंड पे ये सब कॉन्सर्ट हो रहा है. R फॉर रिकवरी एजेंट्स उसने साथ में रखे हैं, लोगों ने टिकट का पैसा बिना टिकट लिए घुसने लगे कोई लोग, तो इसलिए रिकवरी एजेंट साथ में रखे हैं. और नॉइज पोल्यूशन की वजह से कुछ कंप्लेंट वम्प्लेंट का चक्कर हो गया तो उसने लॉयर साथ में रखा है. कंफर्टेबल? एक बार वापस से रिविजिट करते हैं. चलो M फॉर म्यूजिशियन टू पब्लिशिंग हाउस, आर्टिस्ट फोटोग्राफर टू प्रोडक्शन हाउस, ऑथर टू पब्लिशिंग हाउस, करेक्ट?
सॉरी म्यूजिशियन टू म्यूजिक कंपनी है, मैं गलती से पब्लिशिंग हाउस, इन केसेस में आरसीएम है, बट ऑथर में ऑप्शन है, कंफर्टेबल? एफसीएम और आरसीएम ऑथर के हाथ में. नेक्स्ट आर फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5% विदाउट आईटीसी वाला बंदा चाहिए, और वो कौन चाहिए? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट चाहिए, और सर्विस किसको देना है? टू बॉडी कॉर्पोरेट देना है, तो आरसीएम आएगा, कंफर्टेबल? नेक्स्ट एस फॉर स्पॉन्सरशिप. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट इन टैक्सेबल टेरिटरी विल गो इन टू आरसीएम. बी फॉर बैंक्स. बैंक्स में आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी मेंबर टू आरबीआई, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बैंक एंड सिक्योरिटी लेंडिंग्स की, इनमें आरसीएम है. फिर आई फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी. जी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज. गवर्नमेंट सर्विसेज में दो ही आरसीएम में है, एनी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी हैविंग मोर देन टर्नओवर ओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट एंड रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कंफर्टेबल? फिर एस फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज. अगेन सिक्योरिटी सर्विसेज बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, बट एक्सेप्शन आर गवर्नमेंट एंड कंपोजिशन सप्लायर, कंफर्टेबल? देन ए फॉर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन बेसिक वट एवर इज द लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन. देन डी फॉर डायरेक्टर टू बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी. जी फॉर जीटीए, अगेन 5% वाले, टू एनी रजिस्टर्ड फैक्ट्री, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, सोसाइटी एटसेट्रा. आर फॉर रिकवरी एजेंट टू बैंक्स. एल फॉर लॉयर्स टू एनी बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट. ये बाय हार्ट ही करना है गाइज, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू नो इट वेल, और इसीलिए हमने स्टोरी बनाया है, वर्ड बनाया है, मिसेस बिग सैड गर्ल, कंफर्टेबल? चलो ग्रेट. सो आगे बढ़े. 9.4 बोलता है कि कुछ केसेस में नोटिफाइड में यूआरपी टू आरपी आया तो आरसीएम लगेगा. अब ये मेनली सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में प्रमोटर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है. अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस, बट स्टिल बिकॉज ये मॉड्यूल में है मैं कवर करने वाली हूँ. तो यहाँ पे तीन ही ट्रांजैक्शंस है. अगर आप गुड्स या सर्विसेज प्रमोटर को बेचते हो, सो हम बेचने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ईटे करेक्ट, पाइप्स, टाइल्स राइट, वॉट एवर इज द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सैंड, हम लोग बेचने वाले हैं किसको? प्रमोटर को, बिल्डर को. तो गुड्स एंड सर्विसेज बेचने वाले हम हैं, लेने वाला खरीदने वाला वो है. अब उसको क्या क्या लगता है? देखो कंस्ट्रक्शन करते वक्त अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज लगती है, आर्किटेक्ट की सर्विसेज राइट, मटेरियल गुड्स. इसके अलावा सीमेंट इज अनदर मेन इंग्रेडिएंट इन कंस्ट्रक्शन, तो वो सीमेंट लगता है, एंड मशीनरी कैपिटल गुड्स लगते हैं. सो एज अ प्रमोटर, मैं प्रमोटर हूँ, मैं तीन चीज़ें लूँगी, क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एक्सक्लूडिंग सीमेंट, सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स. अब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी प्रमोटर बिल्डर जब ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन में खरीदता है तो कम से कम 80% ऑफ हिज परचेसेस शुड बी फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन्स, मिनिमम 80%. हाँ 80% अगर है और 20% तुमने इधर उधर अनऑर्गेनाइज बंदे से खरीदा तो इशू नहीं है, बट 80% एटलीस्ट यू शुड बाय फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन. द ऑब्जेक्टिव इज दे वॉन्ट द एंटायर चेन टू बी क्रिएटेड इन रियल इस्टेट सेक्टर, क्योंकि अगर मुझे ये क्लॉज एप्लीकेबल हो जाता है तो मैं इंसिस्ट करूंगी कि भाई तू रजिस्टर्ड है क्या, तो ही मैं खरीदती. तो अब क्या हो जाएगा, सीमेंट बेचने वाला, टाइल्स बेचने वाला बोलेगा यार अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो ये बंदा लेने से इनकार कर रहा है, अच्छा है रजिस्टर्ड हो जाओ. सो वो दे आर ट्राइंग टू कंपेल अदर पार्टी टू गेट रजिस्टर्ड बाय मेकिंग मी बाय थिंग्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन. झेप रहा है क्या? अब तुम बोलोगे मैडम नहीं करेंगे आप तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट कहता है नहीं करूंगे, 80% रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं बाय करोगे, ठीक है फिर आरसीएम में सारे कंप्लायंसेस तुम करो, इनवॉइस तुम बनाओ, रिटर्न्स तुम भरो, पैसा तुम भरो, पेनल्टी तुम भरो, इंस्पेक्शन तुम्हारा होगा, ऑडिट तुम्हारा होगा करेक्ट, असेसमेंट तुम पे होगा, करो कंप्लायंसेस. सो सेलर तुम हो बट कंप्लायंसेस मेरे पे आ जाएंगे. सो गवर्नमेंट कहता है फिर भी अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड है, सो गवर्नमेंट 100% नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है 80%. सो गवर्नमेंट कहता है जितना 80% का शॉर्टफॉल है, सो सपोज मैंने 70% रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो 10% कम हो गया, तो जो 10% शॉर्टफॉल है उस पे आरसीएम क्रिएट हो जाएगा, कंफर्टेबल? अंडरस्टूड? अब आप बोलोगे कि मैडम फिर ये आपने सीमेंट जो है ये अलग क्यों रखा है, व्हाई डिड यू नॉट एडेड इट टू गुड्स एंड सर्विसेज?
तो सीमेंट को उन्होंने आरसीएम तो लगवाया ही है, रेट ज़्यादा लगाया है, 28% लगता है। सो गुड्स एंड सर्विसेज अगर मैं आरसीएम में एप्लीकेबल हो गया लेस देन 80% में, तो 10% शॉर्टफॉल पे मेरे को टैक्स भरना है, तो रेट बिकम्स 18%। बट सीमेंट में शॉर्टफॉल हो गया तो रेट बिकम्स 28%, इसलिए वो सीमेंट अलग है। ठीक है, अगेन डिटेल डिस्कशन इस पर नहीं है, रियल इस्टेट सेक्टर ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है विच विल बी डिस्कसिंग लेटर। सो फॉर द टाइमिंग सिर्फ ये छोटा सा बात याद रखना, 80% क्राइटेरिया एमसीक्यू आ सकता है 9-4 में। कंफर्टेबल एवरीबडी? चलो ग्रेट, एंड दैट कंप्लीट्स अवर ओवरऑल आरसीएम कैटेगरी। मैंने आरसीएम में किसको हाईलाइट किया है? 9-3 को, मिसेस बिग सैडगल, तो वो ठीक से याद करना है। ये अनरजिस्टर्ड का याद आया नहीं आया, इट इज ओके। लास्ट पार्ट ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी में है कॉम्पोजिशन, वेरी वेरी क्रूशल। कॉम्पोजिशन में दो पार्ट्स है, एक गुड्स के लिए और एक सर्विसेज के लिए। अब ध्यान से सुनो, इनिशियली कॉम्पोजिशन जब आया 10(1) में, सेक्शन 10 है ना कॉम्पोजिशन का, सेक्शन 9 चार्ज है और 10 कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन में जब सेक्शन 10(1) आया, तो उन्होंने पहले कॉम्पोजिशन सिर्फ गुड्स सप्लायर के लिए इंट्रोड्यूस किया और एक ही सर्विस के लिए इंट्रोड्यूस किया था, वो था रेस्टोरेंट। यानी मैं अगर गुड सेलर हूँ तो ही कॉम्पोजिशन में जा सकती हूँ। अभी ये कॉम्पोजिशन क्या है? कुछ नहीं, इट्स अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम जिसमें तुमसे नहीं ना होता ये इनवॉइस रखो, सिस्टम में डालो, ITC लो, सेट ऑफ मारो, वो टंकी देखो, ये उसके साथ वो उसके साथ कन्फ्यूजन। सो ये नहीं होता ना तुमसे, सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म चाहिए ना, तुम अपना टर्नओवर लो और उसका परसेंटेज टैक्स भर दो, बात खत्म। प्रिजम्प्टिव कैटेगरी जैसा है ये, राइट? सो ये सिंप्लीफाइड स्कीम इंट्रोड्यूस किया था ओनली गुड्स के लिए। फिर सर्विस प्रोवाइडर बोले हमने क्या गुना किया भाई, हमारे लिए क्यों नहीं है ये स्कीम। सो गवर्नमेंट ने कहा जिनका टर्नओवर कम है, स्मॉल स्केल टैक्स पेयर है, उनके लिए ये स्कीम लाए। तो सर्विसेज वाले बोले भाई हम भी स्मॉल स्केल है, हमें भी, इनफैक्ट हमें तो बहुत ज़्यादा स्केल पे स्मॉल स्केल लेवल ट्रेड, इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स बहुत है ना, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, करेक्ट, CAs है, CS है। सो देयरफॉर गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम सर्विसेज के लिए भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हुआ ये कि बजट आने में टाइम था, तो उन्होंने क्या किया, बीच में नोटिफिकेशन इशू किया सेइंग दैट कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स स्कीम विच इज मेनली फॉर सर्विसेज, सो दो दे कॉल इट एज अ कंसेशनल स्कीम ऑफ टैक्स, इट इज नथिंग बट कंपोजिशन फॉर सर्विसेज। फाइनेंस एक्ट 2 विच केम इन जुलाई एनेक्टेड अ सेक्शन फॉर दिस 10(2)(a). सो हुआ है वो, बट वो इफेक्टिव अभी तक हुआ है नहीं हुआ है इसमें कन्फ्यूजन है, और तुम्हारे मॉड्यूल में आज भी वो नोटिफिकेशन का रेफरेंस है, तो तुमको सिर्फ याद ये रखना है कि वही नोटिफिकेशन कॉपी पेस्टेड एज सेक्शन 10(2)(a). सो 10(1) कॉम्पोजिशन फॉर गुड्स, 10(2)(a) क्रॉस नोटिफिकेशन फॉर कंसेशनल रेट इज फॉर सर्विसेज। कंफर्टेबल? तो अभी देखते हैं 10(1) में कौन कवर्ड है और 10(2)(a) में कौन कवर्ड है। वेरी सिंपल, जो 10(1) में नहीं है वो सारे 10(2)(a) में। तो तुमको याद सिर्फ रखना है 10(1) में कौन है। 10(1) में 3 लोग हैं, एक एक्सक्लूसिव गुड्स सप्लायर जो सिर्फ गुड्स बेचते हैं, कंफर्टेबल। सेकंड, रेस्टोरेंट सर्विसेज नॉट सर्विंग अल्कोहल, ओके, दोज रेस्टोरेंट्स आर कवर्ड 10(1) में। एंड मिक्स्ड सप्लायर जो गुड्स भी देते और सर्विसेज भी देते बट सर्विसेज निग्लिजिबल देते, टॉलरेंस लिमिट में देते। तो टॉलरेंस लिमिट क्या है? 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर, वो टॉलरेंस रेंज तक सर्विस टॉलरेट की जाएगी एंड यू विल स्टिल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ गुड्स सप्लायर। जेपरा के देखो, अगर मैं लेटेस्ट अज्यूम 50 लाख के गुड्स बेच रही और 3 लाख की कोई तो भी छोटी मोटी मैंने सर्विस दे दी, तो सर्विस निग्लिजिबल है कि नहीं? मैं मेनली कौन प्रोवाइडर हूँ? गुड्स प्रोवाइडर हूँ। आपको समझ में आ रहा है? क्लासिक एग्जाम्पल आपको बता, वाइट गुड्स सेलर, ये जो TV बेचते, वॉशिंग मशीन बेचते, ये रिपेयरिंग सर्विसेज देते, देखो फॉर इनिशियल फ्यू ईयर्स वारंटी में वगैरह, तो वो सर्विस भी देते, बट डू यू लुक एट देम एज अ सर्विस प्रोवाइडर और अ गुड सप्लायर? हाँ। तो इसीलिए ये लोगों का प्रॉब्लम क्या होने लगा, जीएसटी ऑफिसर बोलता था नहीं नहीं 10(1) तेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? तू सर्विस देता है, 3 लाख की देता है ना, नहीं है तेरे लिए। तो वो अटक रहा था, इसलिए क्लॉज क्या बोलता है, ठीक है तुम मिक्स सप्लायर हो, गुड्स भी देते बट और सर्विस भी देते, बट सर्विस बहुत ही निग्लिजिबल है, तो तुम यहाँ पे कवर हो सकते हो। इसका अदर वे राउंड क्या है, अगर तुम एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर हो या मिक्स सप्लायर हो जहां सर्विस टॉलरेंस रेंज के बाहर हो, तुम 10(2)(a) में जाना। कंफर्टेबल?
एवरीबडी अंडरस्टूड 10(1), 10(2)A. आगे बढ़ते हैं फिर. सो देयरफॉर दिस इज गुड्स एंड मिक्स सप्लायर विथ निग्लिजिबल सर्विस एंड 10(2)A इज सर्विस प्लस मिक्स सप्लायर नॉट कवर्ड इन 10(1). अब लिमिट्स क्या है ध्यान में रखना है. 1.5 CR के नीचे या 1.5 CR PFY का टर्नओवर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है. सो अगर आप 19-20 की बात कर रहे हो तो 18-19 का देखना पड़ेगा. सो जो लोगों को अभी आने वाले साल में कॉम्पोजिशन के लिए जाना है उनका टर्नओवर 19-20 का देखा जाएगा. PFY का टर्नओवर 1.5 CR से कम होना चाहिए. बट देर आर 7 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. 8 बोला है क्या मैंने? एक्चुअली 8 हो रहा है क्या? देखो बिकॉज आसाम नहीं है 7 सिस्टर्स में. मैंने आई थिंक मैंने आपको बता दे वक्त 7 सिस्टर्स प्लस 1. हाँ ना बट 7 सिस्टर्स में आसाम है बट इसमें आसाम नहीं है. सो आसाम को हटा के उत्तराखंड डाला तो 7 ही होते. चेक करो 3, 4, 5, 6, 7 अच्छा 8 है फिर भी. ओके आसाम नहीं है. सो पे अटेंशन. सो 75 lakhs इन 8 स्टेट्स. 8 स्टेट्स में तुमको बोला था 7 सिस्टर्स प्लस उत्तराखंड ऐसे याद रखो. सो 7 सिस्टर्स में कौन कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश आएगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड मेघालय 3M ये आएंगे एंड त्रिपुरा एंड सिक्किम. करेक्ट. एंड और एक रह गया आई गेस उत्तराखंड एडिशनल है. हाँ 7 सिस्टर्स प्लस उत्तराखंड. तो ये 8 स्टेट्स में 75 lakh है, बाकी सारे स्टेट्स में 1.5 करोड़ है. सर्विसेज में हाउएवर लिमिट इज 50 lakhs. 50 lakh के नीचे होना चाहिए, ध्यान में रखना है वो. नॉन एलिजिबल पर्सन में अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, सी इंटर स्टेट में मेरे को इधर से उठा के उधर ट्रांसफर करना पड़ता तिजोरी में से पैसा. क्यों? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है. सो आज महाराष्ट्र ने गुजरात को बेचा तो जो IGST लगेगा वो भरेगा महाराष्ट्र में, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये वापस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये देगा गुजरात को. तो मेरे को बताओ IGST में अपन कंपोजिशन दे सकते क्या ये लोगों को? नहीं दे सकते, बिकॉज अपने को मालूम होना जरूरी है कि सामने कौन है. समझ में आया? सो ISS में आप कॉम्पोजिशन में नहीं जा सकते. नंबर 1 NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं जा सकते. इको वाया इको सेलर सेम लॉजिक. ई कॉमर्स Amazon पे बेच रहे हो तो तुमको किधर पता है बायर किधर है? वो तो इंटरस्टेट भी जा सकता. देयरफॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर में हो तो कवर्ड नहीं हो. एंड लास्टली पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम एंड एरिनेटेड वाटर न्यू एडिशन इन योर बैच, इनके जो सप्लायर मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए ये स्कीम नहीं है. पॉइंट नोटेड, नॉन एलिजिबल पर्सन है वो. फाइनली ये स्कीम कंपल्शन है कि ऑप्शन है? दिस स्कीम इज एन ऑप्शन, इट इज नॉट अ कंपल्शन. सो अगर आप ऑप्ट करते हो, बट इसमें एक कंडीशन है, अगर आपके अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन है बट पैन एक है तो करना है ऑप्ट तो सबने करना है. If one becomes ineligible, all becomes ineligible. All of you are with me. So, अगर एक भी आपका पैन इंडिया में मेरे 10 शॉप है, 10 शॉप के 10 शॉप ऑप्ट करेंगे या एक भी ineligible हो गया because of any reason. So, imagine करो मेरे 10 स्टेट में 10 शॉप है, 9 स्टेट के शॉप्स लोकल सेल करते और टर्नओवर लिमिट के नीचे टर्नओवर है सारा मिला के एग्रीगेट टर्नओवर. हाँ नॉट इंडिविजुअल शॉप टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर बिलो लिमिट है, बट एक शॉप इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो वो शॉप ऑप्ट नहीं कर सकता. 10वां शॉप ऑप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो ISS कर रहा है. अब 10वां नहीं कर सकता तो बाकी 9 भी नहीं कर सकते क्योंकि पैन एक है. छेपा? सो ऑप्ट करना है तो पैन इंडिया लेवल सबने ऑप्ट करना है वरना किसी को नहीं मिलेगा. पॉइंट नोटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर सवाल आता है. रेट्स क्या क्या है? तो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स के लिए 1%, रेस्टोरेंट के लिए 5% एंड सर्विसेज के लिए 6%. 3-3 अच्छा ये इंटीग्रेटेड दिया है मैंने. 1 मतलब CG.5, SG.5. 5 मतलब CG2.5, SG2.5. 6 मतलब CG3, SG3. पॉइंट नोटेड. लास्टली ITC ले सकते क्या कॉम्पोजिशन? तुम्ही तो आए थे ना रोते हुए नहीं होता कंप्लायंस. ITC लेने में कंप्लायंस होता तुम्हारा, सिर्फ टैक्स भरने में प्रॉब्लम है तुमको. सो ITC नहीं मिलेगा, आप टैक्स इनवॉइस नहीं निकाल सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ता है. राइट?
कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर बोल के हर जगह लिखना पड़ता है आपको। एंड अगर आप SEZ में वगैरह सप्लाईज कर रहे हैं तो भी आप कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते, क्योंकि SEZ को सप्लाई यानी ISS माना जाता है। गॉट इट? सो दीज आर सम कंडीशंस दैट आर देयर फॉर कॉम्पोजिशन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस पे आएंगे, केस स्टडी बेस्ड MCQ एंड केस स्टडी बेस्ड। प्रैक्टिकल क्या पूछेंगे इस पे? मतलब वैल्यूएशन कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, आइदर इस पे डिस्क्रिप्टिव भी नहीं आएगा, केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। हु शुड पे द टैक्स, RCM का है तो, कॉम्पोजिशन है तो वेदर द पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। अंडरस्टूड? दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट चार्ज ऑफ GST। एंड आखिरी में मैंने आपको लिखवा के दिया था मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ कॉम्पोजिशन, वो एक बार जाते जाते देख लेना। गलती से किसी का दिमाग चला और उसको लगा चलो बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टडी आएगा कुछ तो डिस्क्रिप्टिव डालते, तो वो मेरिट डी मेरिट्स रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी पर डाल सकता है। गॉट इट? कंफर्टेबल? चलो ग्रेट। सो लेट्स गो टू द RTP। RTP क्वेश्चंस कवर करने हैं ना, दो मिनट में हो जाएगा। MCQs ही है मेनली इन सारे फर्स्ट फ्यू टॉपिक्स पे। देखो ये नवंबर के RTP का क्वेश्चन चेक करो। मिस रक्षा इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज इन नोएडा उत्तर प्रदेश एंड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST टिल 25th ऑफ सेप्टेम्बर। हर एग्रीगेट टर्नओवर इज 19 लाख ऑन 30th सेप्टेम्बर। शी गॉट रजिस्ट्रेशन ऑन 30th सेप्टेम्बर। सो अच्छा मेरे को बताओ, एक्चुअली उसने रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सर्विसेज दे रही है और सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट है 20 लाख। सो एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बट कैन यू वॉलंटरीली रजिस्टर? वेरी मच येस, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी इन अ चेन, यू कैन ऑलवेज टेक अ रजिस्ट्रेशन। तो उसने ले लिया रजिस्ट्रेशन, उसको करना था रजिस्ट्रेशन। अब सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू हर? सो रजिस्ट्रेशन तो उसने करवा लिया, तो अब ऑप्शन क्या क्या है देखो। शी कैन पे टैक्स एट 18%, चार्ज इट फ्रॉम कस्टमर एंड अवेल फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन प्रोक्योरमेंट्स मेड। येस पॉसिबल। शी कैन पे टैक्स एट 6% अंडर एग्जम्पशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, बट शी कैनॉट चार्ज GST फ्रॉम कस्टमर एंड ऑल्सो कैनॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। येस पॉसिबल, क्योंकि 50 लाख के नीचे है टर्नओवर। इफेक्टिवली वो क्या बोल रहे हैं पता है तुमको? ए में बोल रहे हो गो टू नॉर्मल स्कीम, बी में बोल रहे हो गो टू कॉम्पोजिशन स्कीम, करेक्ट? अब सी कहता है शी इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस हर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख। दिस क्लॉज इज इररिलेवेंट बिकॉज शी हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली। व्हेन यू आर वॉलंटरीली रजिस्टरिंग लिमिट डज नॉट मैटर, टर्नओवर इज इररिलेवेंट। तुम वॉलंटरी ले रहे हो ना, ऊपर बोला है ना शी गॉट हर रजिस्ट्रेशन ना, सो खत्म ना। अब तुम्हारे टर्नओवर मैटर ही नहीं कर, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अब 1 रुपए का भी सेल करो GST लगाना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू आर विथ मी? सो ये क्लॉज तो इररिलेवेंट है। अब ऑप्शन क्या है उसके पास? आइदर ए और बी। कैन शी गो फॉर नॉर्मल? येस। कैन शी गो फॉर कंसेशनल? येस, बिकॉज हर टर्नओवर इज बिलो 50 लाख। अच्छा अगर मैं 19 का 59 कर दूं तो फिर सिर्फ ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन में 50 लाख के नीचे टर्नओवर चाहिए। झेपा क्या? अभी उसको ए और बी दोनों हैं, बट अगर 50 के ऊपर गई तो सिर्फ ए। कंफर्टेबल? जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 93 ऑफ CGST एक्ट और 53 ऑफ IGST Act, tax on which shall be paid on a reverse charge basis by the recipient of such supply. पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, 93 की बात कर रहे हैं, मतलब Mrs. Big Sad Girl, इनमें से कुछ होना चाहिए। चेक करो, supply of security services provided by a person other than body corporate to a composition taxpayer. कॉम्पोजिशन को एक्सेप्शन में डाला था हमने RCM में, गवर्नमेंट और कॉम्पोजिशन को एक्सेप्शन में डाला था, मतलब ये RCM में नहीं है। सर्विस इज सप्लाइड बाई इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब घाई में बी ऑप्शन चूज करके मत आना, पूरा पढ़ो, क्योंकि कई बार वो एक से ज्यादा ऑप्शन देते और फिर बोलते 2 and 3, 1 and 2 वगैरह। सो लेट्स सी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ होटल अकोमोडेशन थ्रू e-commerce ऑपरेटर। रेंटिंग ऑफ होटल अकोमोडेशन है ही नहीं मिसेस बिग सैड गर्ल में, सो खत्म। अपन 93 की बात कर रहे हैं ना, 93 की पे ही फोकस करना है।
supply of notified category of goods or services bought by a supplier who is not registered to a specified supplier who is registered. वो 9-4 में है. यूआरपी टू आरपी है बट वो 9-4 में है. ऊपर क्या बोला है? 9-3. सो इज इट ऑप्शन टू? ओनली टू. हैव यू अंडरस्टूड इट? ट्रस्ट मी, इन एग्जामिनेशन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देर विल बी एन ऑप्शन टू एंड फोर. एक वन ऑफ द ऑप्शन विल बी टू एंड फोर एंड मेनी स्टूडेंट्स विल टिक दैट. व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में आरसीएम है बट ऊपर क्या पूछा है? 9-3 में कौन सा आरसीएम है? झेपा क्या फर्क? सो ध्यान में रखना, ठीक से एमसीक्यूज पढ़ना. गॉट इट? फिफ्टी लाख क्रॉस के किया तो कॉम्पोजिशन नहीं है ना. 10-2A में सर्विसेज में व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट? कॉम्पोजिशन किन लोगों के लिए है? जो स्मॉल स्केल है. हु आर स्मॉल स्केलर्स? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर एक लिमिट के नीचे है. व्हाट इज दैट लिमिट फॉर सर्विसेज? इट्स 50 लाख. ये कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, तो सर्विसेज के लिए बिलो 50 लाख लिमिट है. इसलिए मैंने बोला 50 क्रॉस किया तो कॉम्पोजिशन ऑप्शन नहीं. तुमको याद रहेगा इनकम टैक्स में भी ऐसा लिमिट था, 2 करोड़, 10 व्हीकल्स. वो क्रॉस किया तो यू कांट ऑप्ट ना. सेम लॉजिक है इधर. हैव यू अंडरस्टूड इट? चार्ज समझ में आ गया? क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे? आरसीएम कॉम्पोजिशन ठीक से करके जाना है, कुछ भी हो जाए. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक, टॉस, टाइम ऑफ सप्लाई. ये टॉपिक मैंने उस दिन भी बोला था जब सिखाया था, उसके बाद भी बहुत बार रिवाइज करवाया था, बट वापस बोलती हूँ, इसको बाय हार्ट ही करना है. देयर इज नो ऑप्शन. बाय हार्ट दिमाग में रूल इतने डालने हैं ऐसे कि कुछ भी पूछो नींद में भी तो भी आना चाहिए. आरसीएम गुड्स आना चाहिए, आरसीएम सर्विसेज आना चाहिए. मुझे नहीं, आपको. मुझे नहीं आता, आपको आना चाहिए. ऑल राइट, सो टॉस के रूल समझते. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉस क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइम ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है? किस वक्त का रेट देखना है? मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट टैक्स में रेट चेंज होते रहते हैं, तो सप्लाई किस वक्त हुआ ये मानना है. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और सप्लाई विच हैज मेनी इंग्रेडिएंट्स. अपना ही एग्जाम्पल लिया था, आप यहाँ आए, बुकिंग किया, चेक दिया, चेक पे एक डेट है, इधर एंट्री में अलग डेट है, बैंक में डिपॉजिट करवाने गए अलग डेट है, एक्चुअल क्रेडिट हुआ अलग डेट है. तो भाई सप्लाई हुआ कब? ऑल ऑफ यू आर विथ मी. और आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर ओवर 3.5 मंथ्स. तो सप्लाई जब कोचिंग शुरू हुआ तब हुआ, ड्यूरिंग द होल पीरियड हुआ, क्या आप मानेंगे 3.5 मंथ्स ओवर होने के बाद सप्लाई कंप्लीट हुआ? सो देर आर मल्टीपल इवेंट्स दैट आर हैपनिंग. इसलिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इज टाइम ऑफ सप्लाई. सो अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे तय करोगे? ध्यान देना, टाइम ऑफ सप्लाई में पहले 3 पार्ट्स किए मैंने, मीनिंग टॉस ऑफ गुड्स सेक्शन 12, टॉस ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13. सो मीनिंग में हमने बात की थी, पहले तो ये ध्यान में रखना है डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि हर रूल में पी 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 आता है. सो दैट पी स्टैंड फॉर डेट ऑफ पेमेंट. वॉट इज दैट डेट ऑफ पेमेंट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बैंक पेमेंट है और आप रिसीव कर रहे हो तो बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. एक बात याद रखना, गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करने की घाई है, जितना जल्दी हो सके उनको अपने तिजोरी में पैसा लेना है. इसलिए वो आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन तय करते वक्त हमेशा विच एवर इज अर्लियर रखेंगे. कंफर्टेबल? बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. अगर आप पे कर रहे हो और आरसीएम में चार्ज है तो बुक एंट्री और बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर. सीधा सीधा खुद को गवर्नमेंट मानो और मेरे को बताओ, अगर पेमेंट पॉइंट पे मेरे को टैक्स भरना है, तुम गवर्नमेंट हो, अब मैं बोलती हूँ सर वो क्रेडिट हुआ ना, वो क्रेडिट कब हुआ? 17 जनवरी को हुआ. गवर्नमेंट कहता है अच्छा तूने बुक में कब एंटर किया है? 14. मतलब तेरे हिसाब से 14 को तेरे को मालूम था ना रिकवर हो गया, क्रेडिट में थोड़ा सा टाइम गया, टैक्स को क्यों रोके भाई, पैसा तो आ ही रहा है ना. सो 14 तारीख को हम मानेंगे टॉस आ गया, रेट लगा और टैक्स भर. समझ में आ रहा है क्या? दैट इज वॉट वी आर डूइंग. सो बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, बुक एंट्री और बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर. कैश पेमेंट है तो गवर्नमेंट कह रहा है कैश पेमेंट है ना, किसको मिल रहा है? सप्लायर को. तो उसके बुक की एंट्री इज द डेट ऑफ पेमेंट. ये ध्यान में रखना, इधर लोग कंफ्यूज होते हैं.
रेसिपिएंट के नहीं, कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट, तो बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट, उसमें से बैंक क्रेडिट आएगा ही नहीं। रहा बुक एंट्री, अब बुक एंट्री में प्रॉब्लम यह है कि दो लोगों के बुक्स में एंट्री है, सप्लायर के भी और रेसिपिएंट के भी। रेसिपिएंट के बुक्स में एंट्री है पेड की और सप्लायर के बुक्स में एंट्री है रिसीव्ड की। तो किसके बुक्स की एंट्री देखें? तो जिसको पैसा मिला उसने, सी जिसको जिसने रिकॉर्ड किया उसको 100% पैसा मिला ना, वरना वो रिकॉर्ड क्यों करेगा कैश पेमेंट्स में। सो यू विल ऑलवेज लुक एट डेट ऑफ पेमेंट एज एंट्री इन द बुक्स ऑफ द सप्लायर, क्योंकि कैश का कैसे तय करे कि कब मिला, आज मिला, कल मिला, परसों मिला, जिस दिन तूने एंटर किया बुक में कि मिला उस दिन को माना जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। ध्यान में रखोगे ये, दैट इज मीनिंग ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। जीएसटी ड्यू डेट्स 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सिर्फ कंपोजिशन टैक्स पेयर को क्वार्टरली भरना पड़ता है 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंडिंग द क्वार्टर। अच्छा, मार्च के लिए कुछ अलग डेट है क्या? नहीं, सेम डेट्स, करेक्ट। देन लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, ये अपने को फॉरवर्ड चार्ज में लगता है, लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, तो वो गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए, ध्यान देना। गुड्स के लिए व्हाट इज द लास्ट डे टू इशू इनवॉइस? सिंपल, गुड्स अगर रिमूव होके आप डिलीवर कर रहे हो तो ऑन और बिफोर रिमूवल इनवॉइस निकालो। अगर आप यहाँ पे काउंटर पे दे रहे हो अपनी जगह, तो डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल से पहले आपका इनवॉइस निकलना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है तो आइदर स्टेटमेंट डेट और पेमेंट डेट के पहले बिल निकालो, करेक्ट। एंड अगर अप्रूवल पे गुड्स भेज रहे हो तो सप्लाई नोन और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे इनवॉइस निकालो। ये सिर्फ गवर्नमेंट, अगेन गो इन टू द गवर्नमेंट रोल, तुमको जीएसटी चाहिए, जीएसटी के लिए तुम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन तय कर रहे हो, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में एक तारीख पेमेंट की ले रहे हो, कंपैरिजन में एक तारीख बिल की ले रहे हो। अब अगर सामने वाला बिल ही ना निकाले तो तुम क्या करोगे, करेक्ट। और पेमेंट कैश में हुआ है, वो बुक एंट्री नहीं डाल रहा, करोगे क्या? अटक गया ना जीएसटी तुम्हारा। तो हम बिल उसको कंपल्शन कर रहे हैं कि भाई तू बिल निकाल कभी भी, हम लास्ट डे प्रोवाइड करके रखेंगे, ताकि हमारे रूल में हम ऐसा लिखेंगे कि तूने बिल ना भी निकाला तो भी लास्ट डे टू इशू इनवॉइस पे टॉस आ जाएगा और जीएसटी पेएबल हो जाएगा। अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल थिंग, देन यू विल रियलाइज हाँ ऐसा लॉजिक है इनका, झेपा क्या? सो लास्ट डे टू इशू इनवॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी ने इनवॉइस नहीं निकाला और पेमेंट में कैश है और बुक एंट्री भी नहीं आ रहा, तो तुम अटक गए जीएसटी में एज अ गवर्नमेंट। सो तुम बोलते हैं आई नहीं है, पी नहीं है, चल लास्ट डे टू इशू इनवॉइस नहीं है, नहीं मैं दे रहा लॉ में, लास्ट डे टू इशू इनवॉइस ये थी, नहीं निकाला तेरी गलती, टॉस आ गया टैक्स पर, झेपा क्या? सो लास्ट डे टू इशू इनवॉइस वापस बोलो, गुड्स रिमूव हो रहे तो ऑन और बिफोर रिमूवल, उधर के उधर मिल रहे तो ऑन और बिफोर मेकिंग अवेलेबल, कंटिन्यूअस है तो स्टेटमेंट या पेमेंट डेट, एंड अप्रूवल है तो सप्लाई नोन, जब पार्टी ने अप्रूव कर लिया कि हाँ गुड्स रख रहा, या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। वो भी लॉजिक मैंने बताया, 6 महीना कहाँ से आया? नॉर्मली सेल और रिटर्न इज फॉर 6 months, नो, नॉर्मली दैट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना, मैक्स 6 months ना, दैट्स वाई दे हैव सेड 6 months, अंडरस्टूड। नाउ सर्विसेस में इनवॉइस कब निकालना है? विद इन 30 days, बैंकिंग कंपनी को 45 days है, और बिटवीन ब्रांचेस क्वार्टर एंड है, कंफर्टेबल। अगर कंटिन्यूअस सर्विस है तो आइदर ड्यू डेट और माइलस्टोन डेट और माइलस्टोन कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट, जो भी बोला रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में उसके मुताबिक। एंड लास्टली अगर सप्लाई सीजेस, मैंने इंटीरियर वाली का मेरे एग्जाम्पल दिया था कि उसको यूएस जाना था फिर उसने हैंड ओवर कर दिया, तो वेन सप्लाई सीजेस टिल द टाइम यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, उतने वर्क का इनवॉइस निकाल देना पड़ता है इमीजिएटली ऑन और बिफोर सप्लाई सीजेस। ये क्या है? ये लास्ट डे टू इशू इनवॉइस है, जो एज अ गवर्नमेंट अपने को यूज करना है एज अ वेपन, ताकि ये टैक्स पेयर टैक्स डुबाने की कोशिश करे तो हम बोलेंगे आए गया भाड़ में, पी गया भाड़ में, लास्ट डेट ये था, तू बिल नहीं निकाला तो भी टॉस आ गया, झेपा क्या? कंफर्टेबल, ग्रेट। अभी जाते हैं रूल्स की तरफ। पहला रूल है गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, आई पी एल विच एवर इज अर्लियर, आई फॉर इनवॉइस डेट, पी फॉर पेमेंट डेट, एल फॉर लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, गुड्स के केस में अगर आपको एडवांस मिला, एडवांस पे टॉस नहीं है, राउंडिंग ऑफ पेमेंट, कभी कभी एक्सेस पेमेंट तो ऑप्शन है कि आप आज कर लो उसका जीएसटी पेमेंट, या अगले बिल में जब अमाउंट एडजस्ट करोगे तब कर देना, कंफर्टेबल,
गुड। नाउ एफसीएम के मैंने कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स इधर ऐड किए हैं रिवीजन नोट्स में, वो आप ओरली बोलना मेरे को। चलो एफसीएम रूल है, दिस इज एल डेट, दिस इज आई डेट, दिस इज पी डेट। फटाफट टॉस बोलना है, बोलो फर्स्ट केस में व्हाट इज द टॉस, व्हाट इज आवर रूल फॉर एफसीएम ऑफ गुड्स, आईपीएल व्हिच एवर इज अर्लियर। परफेक्ट, बोलो फिर सेकेंड ऑफ सितंबर, तो जीएसटी कब पे करना पड़ेगा, 20 अक्टूबर, कंफर्टेबल। चलो सेकेंड केस में बोलो, देखो यहां पे इनवॉइस नहीं है बट फिर भी वो पकड़ा गया, उसने इनवॉइस नहीं भी निकाला तो भी अपन ने टॉस क्रिएट कर दिया, कब, 3 दिसंबर, और अपन उससे जीएसटी लेके रहेंगे। अगर वो बोलता है नहीं सर बिल नहीं निकाला है, आप जीएसटी कैसे लोगे, सामने वाले ने पेमेंट आधा ही किया है, वॉट एवर, डजेंट मैटर, टॉस आ गया, लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। नेक्स्ट 1st January और पेबल 20th, कंफर्टेबल। नाउ रिवर्स चार्ज गुड्स में, ओके रिवर्स चार्ज गुड्स में अगर आया तो रूल क्या है अपना, आर पी एल विच एवर इज अर्लियर। आर इज रिसीट ऑफ गुड्स, फिजिकल रिसीट ऑफ गुड्स, पी इज पेमेंट मेड। आरसीएम में है अपन, आरसीएम में अपन गुड्स खरीद रहे हैं तो अपन पेमेंट देंगे, आरसीएम में बायर पे चार्ज है ना, तो बायर पे करता है कि पेमेंट लेता है, पे करता है, तो अपन पी पेमेंट मेड की डेट देखने वाले, और एल इज द लैप्स डेट। अभी लॉजिक उल्टा है, उधर अपन सप्लायर पे चेक रख रहे थे तो उस उधर अपन ने ये इनवॉइस कब तक इशू करें ये बोला था, अब अपन चेक कर रहे बायर को, तो अब अपन इनवॉइस की बात नहीं करेंगे, अब अपन बोलेंगे लास्ट पेमेंट की ड्यू डेट, जेबरा है क्या, जिसको हमने नाम दिया लैप्स डेट। तो लैप्स डेट क्या डाली अपन ने, 31st day फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 31st, डोंट फॉरगेट, 30 दिन मत दिमाग में रखना, उसके अगला दिन लेना है कंपेरिजन में, सो 31st day। सो आरसीएम ऑफ गुड्स में अपने को वो एल डेट निकालनी पड़ती है, ऑल ऑफ यू आर विथ मी, डोंट फॉरगेट, आरसीएम में मैं बायर हूं, मैं गुड्स रिसीव करूंगी, मैं पेमेंट दूंगी, और मुझे गवर्नमेंट बोल रहा है तू गुड्स रिसीव कर ना कर, पेमेंट दे ना दे, हम लॉ में बता के रखेंगे कि आखिरी तारीख पेमेंट करने की क्या थी, लैप्स डेट, झेपा क्या, सो दैट इज 31st day। सो बोलो मेरे को, इधर आर है, इधर पी है, इधर आई है, बट आई इज इररिलेवेंट क्योंकि आई मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे पे चार्ज है ना, मैं तो बायर हूं, सामने वाला इनवॉइस कब निकालेगा ये मेरे हाथ में है क्या, नहीं, बट निकाला तो उसका पेमेंट कब करना है, ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, व्हाट इज द रूल, 31st day। सो डू आई नीड टू कंप्यूट लैप्स डेट ओवर हियर, यस लैप्स डेट, इनवॉइस आया था 21 जुलाई को, तो मुझे मैक्सिमम कब तक पेमेंट कर देना चाहिए, 31st day, सो व्हाट इज द 31st day, 21st of August, परफेक्ट, ये मेरी एल डेट है। नाउ कंपेयर, अच्छा बैंक डेबिट बुक एंट्री विच एवर इज, सो दिस विल बी द पी डेट, सो आर पी एल विच एवर इज अर्लियर, क्या आएगा, 4th, 31st, 30th July एंड पेमेंट विल बी 20th August, आर यू विथ मी, झेपा क्या, आशुतोष समझा, अभिषेक कंफ्यूजन, पक्का। नेक्स्ट 31st June को गुड्स रिसीव हुए, मैंने पेमेंट करना है, मैं बायर हूँ और मेरे पे रिवर्स चार्ज में कंप्लायंस बर्डन है, पेमेंट 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई विल बी पी डेट। अब मैंने इनवॉइस मेरे ऊपर आया था 30 जुलाई को, बट वो तो सप्लायर ने निकाला था, गवर्नमेंट कहता है तू रेसिपियंट है, तू बायर है, तूने क्या करना है, गुड्स लेने हैं और पेमेंट करना है, और वो भी टाइम पे करना है। कितना टाइम दिया था गवर्नमेंट ने मेरे को पेमेंट करने का, 31st day तक, दैट इज लैप्स डेट। सो व्हाट इज द लैप्स डेट, 31st day। सो इनवॉइस 30 तारीख का था, यानी पेमेंट करने की आखिरी तारीख थी 30th August। अब कंपेयर करो, ये है आर, ये है पी, ये है एल, सो 30 कर दो, जस्ट चेंज इट, 30th June एंड दिस विल बिकम 20th July। आर यू कंफर्टेबल, हैव यू अंडरस्टूड इट, अगेन 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 आई एम टेलिंग यू, बाय हार्ट तो करना ही है बट लॉजिक समझो, सप्लायर पे फोकस बिल्स पे होता है और आरसीएम में फोकस पेमेंट पे होता है क्योंकि तुम बायर हो, अंडरस्टूड।
चलो ग्रेट. वाउचर रूल बहुत सिंपल है, बोलो फटाफट. वाउचर रूल सिंगल पर्पज वाउचर है तो डेट ऑफ इश्यू, क्योंकि उसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो वाउचर रिडीम होगा. मल्टीपल पर्पज है तो डेट ऑफ रिडम्पशन पे टॉस आएगा. रेसिडुअल रूल इंस्पेक्शन ऑडिट करेक्ट, रेड जीएसटी रेड उसमें पकड़ा गया माल तो टॉस कब माना जाता है, इधर द रिटर्न अगर वो बंदा फाइल कर रहा है तो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, वो नहीं कर रहा है तो डेट ऑफ पेमेंट. एंड आखिरी में इंक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. आखिरी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. क्यों डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला हर पेनल्टी हर फाइन पे जीएसटी नहीं है. इट इज दैट पेनल्टी लेट फी फाइन विच यू आर पेइंग ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज. कंफर्टेबल? तो वहां पे जब आपको वो इंटरेस्ट लेट फी डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच एडिशन इन वैल्यू उस पे टॉस माना जाएगा. आर यू कंफर्टेबल? सो दीज आर द फाइव रूल्स फॉर गुड्स. एक बार वापस, गुड्स का एफसीएम आईपीएल विच एवर इज अर्लियर, एल इज लास्ट डे टू इश्यू इनवॉइस क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज है. कंफर्टेबल? आरसीएम में आरपीएल विच एवर इज अर्लियर, इसमें एल इज लास्ट डेट टू मेक अ पेमेंट लैप्स डेट. कंफर्टेबल? वाउचर रूल सिंगल पर्पज मल्टी पर्पज, वाउचर इश्यू डेट और वाउचर रिडम्पशन डेट. रेसिडुअल रूल आइदर रिटर्न और पेमेंट. एंड आखिरी में इंक्रीज इन वैल्यू रूल डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच वैल्यू. कंफर्टेबल? नाउ नेक्स्ट इज सर्विसेज के टॉस रूल्स. बोलो सर्विसेज में पहला एफसीएम, अगर इनवॉइस तुमने टाइम पे निकाला है दैट इज 30 दिन 45 दिन वगैरह वगैरह, तो आई और पी विच एवर इज अर्लियर. एफसीएम है तो इनवॉइस आना ही है. अगर लास्ट डे टू इश्यू इनवॉइस से पहले तुमने इनवॉइस निकाला है तो आई और पी विच एवर इज अर्लियर, और नहीं निकाला तो एस और पी विच एवर इज अर्लियर. कंफर्टेबल? अगर आप आरसीएम में हो, आरसीएम सर्विसेज मतलब मिसेज बिग सैड गर्ल में हो. अब मैंने यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है क्या, सी गुड्स में वो बोलेंगे कि ये गुड्स आरसीएम में है, बट सर्विसेज में वो एक्सप्लिसिटली नहीं बताएंगे कि ये सर्विस आरसीएम में है. वो आपको बोलेंगे मिस्टर एक्स प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ऑन सो एंड सो डेट, फिर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन देंगे कि इनवॉइस इस तारीख को निकला, पेमेंट इस तारीख को हुआ, बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट व्हाटएवर, करेक्ट? वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे. रूल कौन सा लगाना है ये तुमको तय करना है टॉस में. जैसे ही तुम देखो कि नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज समझने का आरसीएम है, और आरसीएम आ गया अगर सर्विस में तो पी और एल विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि आर नहीं आएगा ना इधर, आर इज फिजिकल रिसीट ऑफ गुड्स. गुड्स में आरसीएम क्या था, आर पी एल विच एवर इज अर्लियर. सर्विसेज में आर आ ही नहीं सकता, इंटेंजिबल सर्विस मिली ऐसे कैसे मानोगे. सो पी और एल विच एवर इज अर्लियर. पी इज पेमेंट, मेड के रिसीव्ड, मेड बिकॉज आरसीएम हो बायर, बायर पे फोकस है, पेमेंट मेड यानी बुक एंट्री बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर. एल विल बी वॉट, लास्ट डे टू इश्यू इनवॉइस के लास्ट डे टू मेक अ पेमेंट लैप्स डेट, बट वो सर्विसेज में 61st डे. अब कुछ लोगों ने मेरे को पूछा था मैडम यहाँ पे ऐसा डबल टाइम क्यों, तो मैंने बताया था सर्विस टैक्स में शुरुआत से वो 61st डे था, वो एज इज कंटिन्यू है. पहले से ही सर्विसेज में टाइमलाइन 2 महीने की थी, 1 महीने की नहीं थी. गुड्स में 1 महीना और सर्विसेज में 2 महीना, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है 61st डे. कंफर्टेबल? बट आरसीएम में और एक चीज है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, एक इंटरनेशनल कंपनी उसकी सब्सिडियरी इधर मोर देन 26% स्टेक, तो उस केस में गवर्नमेंट कहता है कि बुक एंट्री और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर देखना है. वहाँ लैप्स डेट नहीं है क्योंकि दोनों एसोसिएटेड है, करेक्ट? बट डिटेल डिस्कशन वी विल डू नेक्स्ट लेवल पे. लास्टली तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो बुक एंट्री देख के टॉस लगा दो. बाकी वाउचर रूल इंक्रीज इन वैल्यू रूल एंड रेसिडुअल रूल आर सेम फॉर सर्विसेज एंड गुड्स. तो आई थिंक आई हैव टेकन फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर सर्विसेज एज वेल, वो देख लेते हैं एक बार. Example 3, यू विल नोटिस दैट दीज आर एक्चुअली द सेम एग्जाम्पल्स एज दे आर इन योर रेगुलर बुक, बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आई हैव चेंज द डेट्स. डिट्टो नहीं है, डेट मैंने बदले हैं, तुम्हारे इसमें से ही उठाया है बट डेट्स बदले. सो चेक करते हैं, बोलो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस. सो दिस इज एस, दिस इज आई, दिस इज पी एंड दिस इज एफसीएम सर्विस. चलो बोलो एफसीएम सर्विस में क्या रूल है, इफ इनवॉइस इज इन टाइम देन आई और पी विच एवर इज अर्लियर. सो बोलो
Is I in time? Very much yes. So I or P, whichever is earlier, will be 5-4, and 20th May will be the GST payment due date. Next, is invoice in time? सी सर्विसेज में हमेशा सवाल ये पूछना है, बिल टाइम पे निकाला है क्या? एफ सी एम में बिल निकाला है क्या टाइम पे? हाँ तो आई पी, ना तो एस पी. वापस एक बार, बिल टाइम पे निकाला तो आई पी, नहीं निकाला तो एस पी. करेक्ट बोलो. सेवन्थ और सिक्स में, सिक्स में, सो 20th ऑफ जून. अच्छा, सर्विस में और एक चीज बताना भूल गई, एफ सी एम में अगर सर्विस में एडवांस मिला तो एडवांस पोर्शन पे टॉस ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस है, इमीडिएट. गुड्स जैसा नहीं है, सर्विस में एडवांस मिला तो एडवांस पे टॉस है, तुमको जीएसटी भर देना पड़ता है एडवांस पोर्शन का. गॉट इट? नेक्स्ट, इनवॉइस टाइम पे है, सो आई और पी, विच एवर इज अर्लियर, सो 1/11/20/12. नेक्स्ट, इनवॉइस टाइम पे है, सो आई और पी, विच एवर इज अर्लियर, सो 15 July 20 August. इनवॉइस टाइम पे नहीं है, कितने दिन थे? 30 दिन, 30 days में इनवॉइस निकालना है, नहीं है. सो एस और पी, विच एवर इज अर्लियर, सो इट विल बी 1/12, विल बी 20th Jan. कंफर्टेबल? अब देखो, हाँ, 23 Jan 30 Jan इनवॉइस टाइम पे है अब, बट 50% एडवांस रिसीव्ड ऑन 20th of December. सो कैन आई से फॉर 50% अमाउंट टॉस इज 20th 12, जिसका जीएसटी भरना पड़ेगा 20 January को. द रिमेनिंग 50% विल बी दिस और दिस, विच एवर इज अर्लियर. सो बैलेंस 50% पे टॉस आएगा 30 January को, जिसका जीएसटी तुम भरोगे 20 February को. सो अगर 1,00,000 है और 50,000 का एडवांस मिला है और 18% जीएसटी है, तो 50,000 का 18% तुमको भर देना है इमीडिएट नेक्स्ट मंथ में. बैलेंस 50% जब रिसीव होगा तब उसका आईपी करके बैलेंस पे भरना है. एवरीबडी अंडरस्टूड इट? क्लियर 101%? आरसीएम रूल में भी मैंने आई थिंक एग्जाम्पल लिया है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, टॉस एंड ड्यू डेट ऑफ जीएसटी. बोलो, आरसीएम ऑफ सर्विस में आर तो नहीं है, बचा पी एंड एल. पी इज पेमेंट मेड, एल इज लास्ट डे टू मेक अ पेमेंट. कंफर्टेबल? सो पेमेंट डेट क्या लोगे? डेबिट के एंट्री, विच एवर इज. सो ये पी. आई डेट दिया है, बट मेरे को आई डेट नहीं चाहिए, मैं बायर हूं आरसीएम. सो एल डेट निकालो, कौन सा एल डेट आएगा? 61st day. कितना आएगा? ये आता है 26th of April. एक्चुअल 60 दिन करना कैलकुलेट, रेसिडेंशियल स्टेटस जैसा, 2 महीना मत करना, गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में. एक्चुअल 60 दिन, 61वां दिन, ऐसा स्पेसिफिक वर्डिंग है लॉ में. सो टॉस कब आएगा? पेमेंट डेट, करेक्ट, पी और एल, विच एवर इज अर्लियर, एंड ड्यू डेट विल बी 20th of Feb. यहाँ पे दिस इज पी डेट, एल डेट विल बी 61st day. 61st day आता है 14/11. सो 13 September को टॉस आएगा, 20 October को भरना पड़ेगा. ऑल राइट, ये तुम्हारे नोट्स में नहीं है, दीज आर द चेंज डेट, सो जस्ट लुक एट ऑन द स्क्रीन. हैव यू अंडरस्टूड इट? क्लियर? देन इट्स टाइम टू गो फॉर आरटीपी. आई थिंक ये रामचंद्र एसोसिएट्स वाला हमने कवर किया है रेगुलर बैच में, May 19. मैंने पहले ही बोला May 19 के सारे सवाल मैंने तुम्हारे रेगुलर नोट्स में डाल दिए थे, November 19 के बाकी थे, बट फिर भी एक बार चेक करते हैं. रामचंद्र एसोसिएट्स हैज रिसीव्ड सम टैक्सेबल सर्विसेज फ्रॉम मोहन दलाल प्राइवेट लिमिटेड ऑन 12th January बाय मेकिंग अ कैश पेमेंट ऑन अ सेम डे. हु इज अ सप्लायर? मोहन दलाल. हु इज द रेसिपियंट? रामचंद्र एसोसिएट. द पेमेंट वॉज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रामचंद्र एसोसिएट्स ऑन 16 Jan एंड इन द बुक्स ऑफ मोहन दलाल 20th of Jan. सो देखो, सर्विसेज ली है, कैश पेमेंट दिया है, रामचंद्र ने पेमेंट दिया है और मोहन दलाल ने पेमेंट रिसीव किया है, आरसीएम नहीं बोला है, दैट मीन्स इट इज इन एफसीएम. एफसीएम है, कैश पेमेंट है, तो पेमेंट की डेट क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ बुक एंट्री इन द बुक्स ऑफ सप्लायर. हु इज द सप्लायर? मोहन दलाल. व्हाट इज द डेट? 20th of Jan. सो दिस इज योर पी डेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? पूरे 4 लाइन में तुमको उलझाया है उन्होंने.
डोंट गेट कन्फ्यूज, जब भी कैश पेमेंट होता है पेमेंट डेट इज डेट इन द बुक्स ऑफ द सप्लायर, द वन हु इज रिसीविंग द पेमेंट. कंफर्टेबल? नाउ द इनवॉइस वॉज इश्यूड बाय मोहन दलाल ऑन 18th ऑफ जनवरी, सो दिस इज आई डेट, करेक्ट? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द गिवन केस. अब सर्विसेज है तो पहला सवाल, इनवॉइस टाइम पे है क्या? सर्विसेज दी थी 12 जनवरी को, इनवॉइस निकाला है 18 जनवरी को, सो इज इनवॉइस इन टाइम? 30 दिन में निकालना था, निकाला है, सो इनवॉइस इज इन टाइम. सो आई और पी विच एवर इज अर्लियर, तो टॉस विल बी ऑन 18th जैन. ट्रस्ट मी, अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो 16 जनवरी टिक करके आओगे. 16 जनवरी इज नॉट अ पेमेंट डेट बिकॉज इट इज द डेट ऑफ बुक एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रेसिपियंट. कैश पेमेंट में वी लुक एट द बुक एंट्री इन द बुक्स ऑफ द सप्लायर, इसलिए वो मैंने ऐड करवा के दिया है तुम्हारे मीनिंग ऑफ पेमेंट में. हैव यू अंडरस्टूड इट वेल? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज आरटीपी नवंबर 2019. चलो आई विल गिव यू टाइम, रीड इट केयरफुली एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर. अच्छा क्वेश्चन पढ़ के हो गया? ट्रस्ट मी देर आर मेनी डेट्स एंड यू आर बाउंड टू गेट कन्फ्यूज कि यार कौन सा रूल अप्लाई करना है. नाउ आई गेव यू अ फ्लो चार्ट व्हेन आई टॉट यू इन अ रेगुलर बैच. हमेशा पहला सवाल, गुड्स है कि सर्विस है? क्या है? गुड्स है. चलो मतलब 13 क्लोज 12 पे फोकस करना है. सेक्शन 13 इज इररिलेवेंट, सेक्शन 12 पे फोकस करना है. गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, करेक्ट? अब नेक्स्ट सवाल मैंने बोला है आपको पूछना है, एफसीएम है कि आरसीएम है? ऑल ऑफ यू आर विद मी. अच्छा वाउचर तो नहीं है, इंस्पेक्शन नहीं है, इंक्रीज इन वैल्यू नहीं है, सो या तो एफसीएम होगा या तो आरसीएम होगा, वो भी गुड्स का. ड्रिल इट डाउन. सी आई एम नॉट इवन लुकिंग एट डेट्स येट. अपना गड़बड़ क्या होता है, अपन डेट्स में घुस जाते हैं कि यार इसकी डेट क्या है उसकी. पहले अपने को उसमें जाना ही नहीं है, गुड्स है कि सर्विस है, एफसीएम है कि आरसीएम है, फिर रूल में जो डेट्स लगने वाले हैं वो ढूंढने. जेब रहा है क्या? हाँ. सो गुड्स है, एफसीएम है कि आरसीएम है? रेगुलर स्कीम बोला है, मतलब एफसीएम. अब दिमाग लगाओ, सेक्शन 12 में गुड्स में एफसीएम में क्या रूल था? चलो यहां तक तो पहुंच गए. यानी अपने को 3 तारीखें चाहिए. कौन सी? इनवॉइस की तारीख चाहिए, पेमेंट की तारीख चाहिए और लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस चाहिए. कंफर्टेबल? अब वन बाय वन चलते. महक सन्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. ऑन 15th जुलाई महक सन्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम सुंदर ट्रेडर्स. इरिलेवेंट, ऑर्डर रिसीव हुआ है. महक सन्स गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी बाय 20th जुलाई. द इनवॉइस फॉर द कंसाइनमेंट वॉज इशूड ऑन द नेक्स्ट डे, दैट इज 21st of July. सो 20 तारीख को कंसाइनमेंट रेडी हो गया, 21 तारीख को इनवॉइस निकाला है. दिस इज आई डेट. मिल गया? आगे बढ़ते. सुंदर ट्रेडर कुड नॉट कलेक्ट द कंसाइनमेंट इमीडिएटली. डज दैट मीन दैट ये रिमूवल खुद नहीं करने वाला, कस्टमर आके गुड्स लेके जाने वाला है, उसको खाली काउंटर पे रखना है कंसाइनमेंट. जेपा क्या? ये डिलीवरी नहीं दे रहा है, ये सुंदर ट्रेडर्स आके लेके जाएगा. कंफर्टेबल? हैव यू अंडरस्टूड इट? सो इज इट अ केस ऑफ डेट ऑफ रिमूवल वाला कि डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल वाला? डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल. ऑल ऑफ यू आर विद मी. सो कस्टमर काउंटर पे आएगा, उस वक्त बिल निकलना जरूरी है क्योंकि तब मैं गुड्स मेकिंग अवेलेबल करूंगी. सो अब आगे बढ़ते. सुंदर ट्रेडर कलेक्ट्स द कंसाइनमेंट फ्रॉम द प्रमाइसिस ऑफ महक सन्स ऑन 30th of July.
30 जुलाई को कस्टमर आके सामने खड़ा है और मेरे को कंसाइनमेंट देना है, इज इट द लास्ट डे टू इश्यू इनवॉइस? बिकॉज दैट इज द डे व्हेन आई एम मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू द कस्टमर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि गुड्स मैं नहीं रिमूव करने वाली, मैंने डिलीवरी प्रॉमिस नहीं किया है, वो खुद आके लेके जाना है, जाने वाला है अक्रॉस द काउंटर. जेब रहा है क्या? तो दैट इज व्हेन यू मेक अवेलेबल. मेक अवेलेबल इज व्हेन वो आएगा तब मेक अवेलेबल ना. हाउ कैन आई मेक अवेलेबल? मैं काउंटर पे थोड़ी रखूंगी उसका माल, जब वो आएगा उठा के दे दूंगी. सो दिस इज योर एल डेट. जेब रहा है क्या? देखो द सेड पेमेंट, फाइनली चेक मिला उसको एंड द सेड पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 जुलाई एंड क्रेडिटेड इन बैंक ऑन 1 August. बीई और बीसी, विच एवर इज अर्लियर इज अ पेमेंट डेट. सो कैन आई से दिस इज पी? हो गया 21 जुलाई आई, 30 जुलाई लास्ट डे एल, एंड पी डेट इज 31 जुलाई. देखो विच एवर इज अर्लियर, सो टॉस इज ऑन 21 जुलाई. Have you understood it? See, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि 21 जुलाई आंसर आना चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस. सी, ये प्रॉब्लम सही आए जरूरी नहीं है, बट अगले आने वाले 10 प्रॉब्लम में सीक्वेंस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या फॉलो करना है. द मोमेंट यू गेट इन टू डेट्स फर्स्ट, गॉन. यू विल गेट कन्फ्यूज टोटली. अपने को डेट्स, दुनिया भर की डेट्स दे यार वो, अपने को उस पर फोकस नहीं करना. पहला क्वेश्चन गुड्स के सर्विस, दूसरा क्वेश्चन FCM के RCM. समझ में आ रहा है? थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन. वी आर मेकिंग द जॉब सिंपल फॉर आर ब्रेन. अदरवाइज क्या हो जाता है, तुम अलग अलग, तुम उसको अलग अलग डेट्स भेज रहे हो दिमाग में, ये डेट है वो डेट है. अब ब्रेन कंफ्यूज हो गया है, इतने सारे डेट्स है, IPL RPL वो रूल ये रूल, क्योंकि उसमें तुमने दिमाग में सारे रूल डाल के रखे हैं ना. तो जब आपको जो डेटा चाहिए वो कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में वापस आएगा. सो यू हैव टू टेल हिम कि नहीं, सेक्शन वाइज, हाँ गुड्स का खोलो, सेक्शन 12 खोलो. अब FCM है उसमें बताओ रूल क्या है, IPL विच एवर इज अर्लियर. नाउ इट इज वेरी क्लियर. देन ट्रस्ट मी, इफ यू गो विथ दिस स्ट्रेटेजी, बाकी रूल्स याद ही नहीं आएंगे तुमको, क्योंकि जरूरी ही नहीं है. सेक्शन 13, द मोमेंट आई क्लोज इट, आई डोंट रिमेंबर वॉट इज देयर इन सेक्शन 13, एंड दिस इज वॉट इट शुड बी. अदरवाइज यू विल कन्फ्यूज एंड मेक जम्बलिंग इन ऑल द केसेस. हैव यू अंडरस्टूड? टाइम ऑफ सप्लाई में ट्रस्ट मी, यूज दिस स्ट्रेटेजी, एवरी आंसर विल बी करेक्ट. कितने भी सवाल डाले, कितने भी डे, एक्चुअली टॉपिक बहुत सिंपल है. रूल्स बाय हार्ट होने चाहिए, लॉजिक मालूम होना चाहिए, एंड यू नीड टू टेल योर ब्रेन वॉट टू पिक. डोंट कन्फ्यूज इट विथ टू मेनी डेट्स. अंडरस्टूड? ट्राई दिस आउट. मोर द प्रॉब्लम्स यू विल सॉल्व ऑन टाइम ऑफ सप्लाई विथ दिस स्ट्रेटेजी, मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेन. सो दैट्स इट. दैट इज आई थिंक सेकेंड प्रॉब्लम, एंड दैट कंप्लीट्स अवर रिविजन ऑफ टॉस. टॉस पे केस स्टडीज आने ही वाले हैं. बाय डिफॉल्ट 90% चांस है कि टॉस पे कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा. अब मेरे को बताओ, आप पेपर सेटर हो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है GST का, क्योंकि ये बताएगा कि किस वक्त GST भरना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक? जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो क्लाइंट यही पूछेगा ना, पहला सर दो सवाल पूछेगा, कितना भरना है और So, ये कब का मामला है, इसलिए ये अच्छे से ही करके जाना है. अगर किसी को नहीं समझा है तो मैं इंडिविजुअली दोबारा समझाने को तैयार हूं, बट टॉस में रिस्क नहीं लेना है. ये नॉट जस्ट फॉर एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट? कब GST भरना है ये अच्छे से मालूम होना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट दिस विल प्ले एट योर एडवांटेज. कोई भी क्लाइंट खुद पढ़ के नहीं निकाल सकता डेट. मैं लॉ पढ़ता और मैं तय करता कब GST भरना है, नहीं आएगा उसको. अपन इतना कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसका क्या होगा, करेक्ट? उसका वो ये हो जाएगा, तारे जमीन पर का, ईशान अवस्थी, इधर एक डेट उधर एक डेट, ऐसे. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? कंफर्टेबल? जैसे तुम्हारा मैच देखे, टॉस देखे, सो फिलहाल टॉस ऑफ मैच. हैव यू अंडरस्टूड इट? क्लियर? चलो ग्रेट. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द वेरी वेरी स्मॉल सिंपल टॉपिक, वॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15. एक बार देखो हाँ ध्यान से. सेक्शन 2 में डेफिनेशंस थे, 252 गुड्स, 2102 सर्विस, 285 POB, 2105 सप्लायर, 293 रेसिपियंट, 256 इंडिया. कंफर्टेबल? सेक्शन 7 में सप्लाई था, 8 में कॉम्पोजिट मिक्स था, 9 में चार्ज है, 10 में कॉम्पोजिशन है, 11 में exemptions है जो अपन बाद में रिवाइज करेंगे, 12 में टॉस ऑफ गुड्स है, 13 टॉस ऑफ सर्विसेज है,
14 सिलेबस में नहीं है, 15 वॉस है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब बोलो वैल्यू ऑफ सप्लाई, बहुत ही सिंपल पार्ट है अपने को वैल्यू ऑफ सप्लाई का, वैल्यूएशन रूल्स अपने को सिलेबस में नहीं है, सो बहुत बेसिक पार्ट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑन विच यू विल लेवी द जीएसटी। अब जीएसटी कब लगाना है, कब भरना है बात हो गई, किस पे भरना है वैल्यू, अमाउंट कौन सी, किस पे लगाए 18%, किस पे लगाए 12%, किस पे लगाए 6%, दैट इज द क्वेश्चन। तो वो किस पे लगाना है, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिंपल रूल है, तुम्हारे बिल की जो प्राइस होती है ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट वो ट्रांजैक्शन वैल्यू सही होनी चाहिए ना, वरना लोग बोलेंगे अच्छा इस पे जीएसटी भरना है। शो द अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, 100 रुपए की चीज मैं दिखाऊंगी 50 में बेची, हो सकता ना। सो देयरफॉर गवर्नमेंट कहता है ये ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी लेना है व्हेन, व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, इट इज प्राइस इन द बिल पेड और पेएबल बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तभी लेना है ये टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू। फिर इसमें कुछ ऐड करे क्या, लोगों ने पूछा कि सिर्फ प्राइस पे लगाना है, क्योंकि क्या होता है बिल अगर देखोगे बड़े कंसाइनमेंट का फैक्ट्री में गुड़ जाते तो दुनिया भर की चीजें रहती, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतने, ऑक्ट्रॉय इतना, इंस्पेक्शन चार्जेस इतने, वेमेंट चार्जेस इतने, डिस्काउंट इतना, सब्सिडी इतना, करेक्ट नो। सो इनका क्या करना है, ये बाजू वाले आइटम्स का क्या करना है, गुड्स की प्राइस हमको मालूम है बट वैल्यू में ये लेना है नहीं लेना है उस पर गाइडेंस दो। तो इसलिए उन्होंने बोला है इंक्लूड क्या करो और एक्सक्लूड क्या करो। तो इंक्लूजन में उन्होंने कहा है नॉन जीएसटी टैक्स अगर कुछ है इनवॉइस में तो वो ऐड करो, यानी कैस्केडिंग करेंगे अपन, जेब रह गया क्योंकि नॉन जीएसटी टैक्स ऐड हो गया प्राइस में, अब उस पर जीएसटी लगेगा। तुम बोलोगे मैडम ये तो गलत है, मेरे को बताओ बट ऐसी कौन सी चीज है जिसमें नॉन जीएसटी टैक्स लग के आएगा और जीएसटी भी लगेगा, टोबैको। तो होने दो कैस्केडिंग इफेक्ट, बढ़ने दो प्राइस, सोशल वेलफेयर प्रमोशन फीचर ऑफ आईडीटी, जेब रहा है। सो देयरफॉर नॉन जीएसटी टैक्स ऐड करना है, नंबर वन, अगर एडेड नहीं है तो वैल्यू में इंक्लूड करना है। नंबर टू, ऑन बिहाफ पेमेंट, कभी कभी क्या हो जाता है कुछ चीजें सप्लायर ने करनी चाहिए बट वो बायर ऑन बिहाफ कर देता है और बोलता है बिल में कम लगाना, तो गवर्नमेंट कह रहा है ठीक है भाई बिल में तुम कम लगाओ बट हम जीएसटी कम पे क्यों लें। सपोज मैं आपको कोई सर्विस दे रही, सो मैंने आपको आई थिंक सिंघानिया बुक का एग्जाम्पल दिया था, अगर सिंघानिया बुक प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है और मेरी लेट्स से फीस है 10,000 रुपया और सिंघानिया का प्राइस है 1,000 रुपया, अब ये 10,000 फीस में सिंघानिया देना मेरी जिम्मेदारी थी बट आप गए थे एबीसी में तो आप ही लेके आ गए, आप बोले मैडम मैं हूँ वहाँ पे तो मैं लेके आ जाता हूँ आप मेरा प्राइस कम कर दो, तो मैंने बिल में 9,000 लगाया, क्यों, क्योंकि 1,000 रुपये की बुक आपने खुद ही खरीद ली है। अब ये 1,000 डिस्काउंट नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये 1,000 विच एनी वे यू वेर सपोज टू पे मी एंड आई वॉज सपोज टू प्रोवाइड यू डिरेक्टली इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ मी, जेब रहा है क्या। तो इसलिए मैंने बिल की वैल्यू कम की है 9,000 रुपीज। गवर्नमेंट कहता है बट एक्चुअल सप्लाई की वैल्यू थोड़ी ना 9,000 है, फाइनली तेरे पॉकेट से कितना गया, 9,000 मेरे को और 1,000 वो बंदे को, यानी टोटल तेरे लिए तो प्राइस सर्विस की कितनी है 10,000 ही है ना, सिर्फ तूने सेलर को 1,000 देने की जगह ऑन बिहाफ सेलर डायरेक्टली परचेस कर लिया, सो ऑन बिहाफ पेमेंट भी ऐड होंगे और जीएसटी 10,000 पे लगेगा, जेब रहा है। तीसरा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पैकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेमेंट, वेमेंट मतलब वेट करवाना, कभी कभी कुछ चीज़ों में कंपलसरी रहता है इतना वेट होना चाहिए या वो चीज़ें, सो ये सारी। बट अब ध्यान देना, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस तभी इंक्लूड करना जब दोज आर इनकर्ड ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी से पहले अगर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हुए तो ही वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होते हैं, कंफर्टेबल। देन सब्सिडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है डायरेक्टली प्राइस पे अफेक्ट होने वाली तो गवर्नमेंट कह रहा है बेटा तुझे किसी ने बेनिफिट दिया, तुम्हारा आपस का मिली वगैरह है, क्यों दिया मेरे को नहीं मालूम बट उसने सब्सिडी दिया इसलिए तू सामने वाले को प्राइस कम चार्ज कर रहा है, मैं जीएसटी कम पे क्यों लगाऊँ, लॉजिकल है कि नहीं। एग्जाम्पल लेते, मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था, मैं जीएसटी आपको पढ़ा रही, करेक्ट, विनोद सर आए और बोले मैडम आप जीएसटी पढ़ा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो और ये लोगों को फीस 5,000 की जगह आप 4,000 रखो, 1,000 का रीइंबर्समेंट मैं देता, सब्सिडी देता मैं, करेक्ट। सो ये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है डायरेक्टली लिंक टू इंडिविजुअल इन्वॉइसेस,
तो तुम सबको मैंने 4,000 ही चार्ज किया, मुझे 4,000 मिला कि मुझे पर पर्सन 5,000 मिला है? सो वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्चुअली 5,000 है, ये तो 1,000 रुपये नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है। अब गवर्नमेंट क्या कहता, मुक्ता कुंटे तूने भले ही बिल में 4,000 चार्ज किया है, ये 1,000 किसी नॉन गवर्नमेंट बंदे ने दिए ना, अब उसको लगा उसने दिया 1,000 रुपये की सब्सिडी, तो मैं GST 4 पे क्यों लगाऊ, मेरे लिए तो वैल्यू 5,000 ही है ना, मैं GST 5,000 पे ही लगाऊंगा। बट हाँ, अगर मैंने ही सब्सिडी दिया है, गवर्नमेंट ने खुद नहीं, तो भाई हम ही सब्सिडी दे और बोले नहीं नहीं बट सब्सिडी ऐड करके GST भरो, तो इलॉजिकल हो जाएगा ना, फिर सब्सिडी उतनी कम हो गई। देखो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया 1,000 रुपया, तो 4,000 बिल में है, अब गवर्नमेंट बोलता नहीं नहीं बट GST लगाओ 5,000 पे, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगी मतलब 18% वापस देना है, यानी 1,000 का 18% सब्सिडी ना देने जैसा है ना। इसलिए गवर्नमेंट कहता है हमारी सब्सिडी है तो एक्सक्लूड करो, नॉन गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो इंक्लूड करो, लॉजिकल। सिर्फ ये प्राइस पे अफेक्ट होने वाली चाहिए, वरना कोई लेना देना नहीं है, कंफर्टेबल। एंड लास्टली इंक्रीज इन वैल्यू, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी ड्यू टू डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अगर मिला है तो वो भी वैल्यू में ऐड करना है। अब इसमें ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल लाइफ में पुराने लॉ में इंटरेस्ट लेट फी अगर आपको भरनी पड़ी, एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने गुड्स बेचे यशस्वी को और उसको मैंने बोला 2 महीने के अंदर पेमेंट करना है, नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा 5%। यशस्वी ने पेमेंट नहीं किया टाइम पे, 5% इंटरेस्ट लगा। अब पुराने लॉ में, अब ये सर्विस टैक्स और वैट में वगैरह क्या होता था, अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिला तो उस पर वैट या सर्विस टैक्स नहीं लगता था, वो फाइनेंस चार्ज माना जाता था, फाइनेंस चार्ज माना जाता था। GST में देर इज अ शिफ्ट इन लॉ, GST कहता है कि आपको मिला इंटरेस्ट, कितना मिला मुक्ता कुंटे, 50,000 के गुड्स थे, 1,000 रुपया इंटरेस्ट मिला, ओके। ये क्यों मिला, क्योंकि 50,000 लेट मिला, 50,000 क्यों मिल रहा था, क्योंकि गुड्स बेचे, यानी इफेक्टिवली गुड्स के लिए तेरे को 51,000 मिला, एंड देयरफॉर GST विल बी लेविड ऑन 51,000 बिकॉज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गुड्स प्राइस। सो प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज अ डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इंटरेस्ट गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ दैट गुड्स एंड GST इज लेविड। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम ये था कि ये इंटरेस्ट बाद में आता और GST टॉस पहले आता, टॉस पहले है ना, IPL विच एवर इज अर्लियर, सो बिल निकला तभी टॉस आया। अब बिल निकला तब थोड़ी मेरे को मालूम था कि इंटरेस्ट भी देगी ये, कंफर्टेबल। सो अब कॉन्ट्रैक्ट में इशू था, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी मैंने यशस्वी को ये नहीं बोला था कि इंटरेस्ट भरना पड़ा तो उस पर भी मैं GST लगाऊंगी, क्योंकि तब था ही नहीं ना। सो अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे इंटरेस्ट जब मिलता है तो GST तो भरना है, बट यशस्वी तो देगी नहीं एक्स्ट्रा, वो बोलेगी किधर लिखा मैडम आपने कॉन्ट्रैक्ट में, आपने क्या लिखा था, लेट पेमेंट किया तो 12% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ये रहा 12% इंटरेस्ट, बात खत्म। अब 12% पे दोबारा GST लगाऊंगे, ये कहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, जो लिखा नहीं वो मैं दूंगी नहीं। और आप जाओ कोर्ट में, जाना है तो कोर्ट में जाके फायदा नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वैसा लिखा नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, इंटरेस्ट जो मिला है ना, मान ले वो इंक्लूसिव ऑफ GST है, और रिवर्स वर्किंग करके GST भर दे, छोड़ नहीं रहे तेरे को, तेरे को 1,000 रुपया इंटरेस्ट मिला तो मान ले वो इंक्लूसिव ऑफ GST है। तो लोगों ने फटाफट कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज किए आफ्टर GST, कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने डाल दिया इफ देर इज अ डिले इन पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स इंटरेस्ट विल बी लेविड ब्रैकेट GST एक्स्ट्रा। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम में अपने को मालूम नहीं रहता कि इंटरेस्ट में इंक्लूसिव माने के एक्सक्लूसिव माने, सो वो एजम्पशन करना है, यू कैन डू एन एजम्पशन दैट इंटरेस्ट पेमेंट इज एक्सक्लूसिव, बट मैंने बोला था कि मॉड्यूल नॉर्मली अज्यूम्स इट इज इंक्लूसिव, क्योंकि आज भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होने बाकी है तो वो इंक्लूसिव मान के करते। आप कुछ भी अजम्पशन करो, इशू नहीं है, सिर्फ लिखना। क्या फर्क पड़ता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में, इंक्लूसिव में वर्किंग रिवर्स होता, सो अगर 1,000 रुपया इंक्लूसिव ऑफ GST माने 18%, तो 1,000/118 × 100 करके वैल्यू ऐड करना पड़ता, और अगर 1,000 एक्सक्लूसिव माने तो डायरेक्ट 1,000 ही ऐड कर देते अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई में, समझ में आया, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। लास्टली वॉट टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड में सिंपल है, GST एक्सक्लूड करो, वैल्यू ऑफ सप्लाई में GST मत ऐड करो क्योंकि GST ही निकालना है ना। देन गवर्नमेंट सब्सिडीज, या जो सब्सिडी डायरेक्टली प्राइस पे अफेक्ट नहीं होती है, ऐसे सब्सिडीज को कंसिडर मत करो। एंड लास्टली डिस्काउंट माइनस करो, बट डिस्काउंट दो टाइप के होते, प्री
सप्लाई पोस्ट सप्लाई, प्री सप्लाई है तो झंझट ही नहीं है, बिल में ही आता, वो बिल में आया तो माइनस करके फिर जीएसटी लगाना है, कंफर्टेबल। पोस्ट सप्लाई आया तो प्रॉब्लम आता क्योंकि तुम्हारा टॉस हो गया, इनवॉइस हो गया, जीएसटी भर के हो गया, तो वहां पे गवर्नमेंट कहता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी आप माइनस करके रिवर्सल कर दो चीजों का, कम जीएसटी भरना बाद में क्रेडिट नोट वगैरह इशू करके। बट तीन कंडीशंस है, एक आपका ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का एग्रीमेंट पहले ही होना चाहिए कि ऐसा कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा, दो पार्टीज में अग्रीड होना चाहिए पहले ही। दूसरा, इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, ये जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आप दे रहे हो वो कौन से पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए दे रहे हो, ये आपको लिंकिंग करना पड़ेगा। एंड तीसरा, आईटीसी सामने वाले ने रिवर्स करना चाहिए क्योंकि डिस्काउंट आपने नहीं दिया था तो ज्यादा प्राइस पे जीएसटी लगा था, तो बायर के लिए जो जीएसटी लग के आया था वो उसने क्रेडिट लिया रहेगा, टंकी में डाला रहेगा, अब आप उसको क्रेडिट नोट भेज रहे हो और बोल रहे हो कितना डिस्काउंट की वजह से इतना जीएसटी कम हो गया, तो जीएसटी कम हो गया तो क्रेडिट भी तो कम हो गया ना, तो उसने क्रेडिट रिवर्स करना मांगता है, तभी आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम होगा। हैव यू अंडरस्टूड इट? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में नॉर्मली क्वांटिटी डिस्काउंट आते हैं, परफॉर्मेंस डिस्काउंट आते हैं। जैसे अगर आप मेरे से लेट्स से क्वांटिटी खरीद रहे हो, जैसे मैंने कहा यशस्वी लेट्स से इज बाइंग गुड्स फ्रॉम मी, मैंने उसको बोला कि 6 महीने के अंदर अगर 500 के ऊपर क्वांटिटी गई तो मैं हर इनवॉइस पे 20% डिस्काउंट दे दी। आज मेरे को भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता 500 के ऊपर क्वांटिटी जाएगा कि नहीं जाएगा, बट गया तो मेरे को आज से लेके सारे सप्लाईज पे 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट लिंक टू द इनवॉइस। झेपा क्या? एवरीबडी अंडरस्टूड इट वेल? नो डाउट्स? दैट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई में गाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे एंड दैट्स वाई दिस टॉपिक इज इंटरेस्टिंग। इसमें कुछ भी थेरी नहीं आने वाली। सो लेट्स लुक एट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन वॉस। मैंने अगेन 2-3 क्वेश्चंस ऐड किए। कमल बुक डेपो वाला हमने रेगुलर बैच में ऑलरेडी कवर किया है, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। May 19 कमल बुक डेपो अ होलसेलर, लुक एट इट विथ अ फ्रेश माइंड। अपने रेगुलर नोट्स में आंसर देखो ही मत, अभी सॉल्व करते हैं। चलो, कमल बुक डेपो अ होलसेलर ऑफ स्टेशनरी आइटम्स रजिस्टर्ड इन मुंबई हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम्स वर्थ ₹2 lakhs On 12th November, from another local registered dealer, Mr. Mehta, Mumbai, Kamal Book Depot charged the following additional expenses from Mr. Mehta. So, stationery supply kiya hai 2 lakh ka and additional expenses charge kiya hai. Kya kya charge kiya hai dekho? Parking expenses. Khud ko government mano. Parking charges. Packing charges. Sorry. Packing charges. Bolo. लेना है कि नहीं? बाय द वे इन रियल लाइफ पार्किंग चार्जेस भी ऐड होते हैं। यस, पैकिंग चार्जेस ऐड करे कि नहीं? तुम गवर्नमेंट हो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, तुम क्या सब कुछ ऐड करके जीएसटी लगाना चाहोगे? इजंट इट? सो ऐड इट। फ्रेट कार्ट्रेज, ट्रांजिट इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग, टैक्सेस ऑफ म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी, नॉन जीएसटी टैक्स है, ऐड हो जाएगा। द गुड्स वेयर डिलीवर्ड टू मिस्टर मेहता ऑन 14 November। Since Mr. Mehta was satisfied with the quality of the goods, he made the payment of goods on the same day and simultaneously placed another order on Kamal Book Depot of stationery items amounting to ₹10 lakh. अब देखो, first time buyer था, 2 lakh का माल बेचा, कुछ incidental expenses incur किए, the buyer was happy and buyer placed another order which is a big order. Look at it from a practical perspective. 2 lakh का माल बेचा, अभी वो मेरे को अगला ऑर्डर दे रहा है 10 lakh का। दैट मीन्स ही इज गोइंग टू बी माई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एंड अ गुड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अच्छा खासा बिजनेस आने वाला है सामने वाले से। डू यू थिंक दैट पर्सन विल गिव अ डिस्काउंट नेचुरली? 2 lakh से ऑर्डर 10 lakh, 5 times ऑर्डर बढ़ रहा है यार, देना ही चाहिए डिस्काउंट उसको। समझ में आ रहा है क्या? बट टेल मी, विल दिस डिस्काउंट विल बी प्री अग्रीड के अभी सोचोगे तुम ये डिस्काउंट? इट्स अ सेल्स प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, करेक्ट? कस्टमर बेस क्रिएट करने जा रहा है। तो उसने क्या किया, ऑन रिसीट ऑफ सेकेंड ऑर्डर कमल बुक डेपो अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20,000 ऑन द फर्स्ट ऑर्डर मेड बाय मेहता।
कमल डेपो ने फोन किया रहेगा और बोला रहेगा सर आपने 10 लाख का ऑर्डर दिया है, सो वी विल गिव यू, वील ऑफर यू एटेस्टेड डिस्काउंट ऑन ऑल ऑर्डर्स. नॉर्मली सी रियल लाइफ में बात कैसे होती है आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा. इफ आई एम अ कमल बुक डेपो सप्लायर, आई विल कॉल दिस गाय एंड आई विल टेल हिम कि भाई तू 5% ऑर्डर बढ़ाया है, आई विल ऑफर यू एटेस्टेड डिस्काउंट 20%. तो सामने वाला बोलेगा बट पहला तो हो गया ना, नहीं उस पर भी देंगे ना, क्रेडिट नोट निकालेंगे. जब मैं बोलती हूँ 20% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स, पहले वाले ऑर्डर पे भी देना पड़ेगा ना मेरे को. सो देयरफॉर 10 लाख का ऑर्डर मिलने के बाद आई सेड कि पहले ऑर्डर पे सर आपको 50,000 का डिस्काउंट एंड इसके आगे सेम डिस्काउंट विल कंटिन्यू. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बट अब प्रॉब्लम क्या है देखो, अब अपना एज अ गवर्नमेंट तुम्हारे सामने सवाल है. मैं कमल बुक डेपो में दे गई डिस्काउंट सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी. अब तुम्हारे सामने सवाल ये है कि 2 लाख प्लस ये सारे खर्चे, दैट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच GST यू आर गोइंग टू एड, उसमें 20,000 का डिस्काउंट आया है प्री सप्लाई के पोस्ट सप्लाई. अब सवाल यह है माइनस करे के ना करे. एज अ गवर्नमेंट पोस्ट सप्लाई में तुमने ही कंडीशंस डाल के रखी है. क्या कंडीशंस डाल के रखी है? कि ये सप्लाई से पहले ही अग्रीड होना चाहिए, ऐसा कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा. है क्या पहले अग्रीड? खत्म. नो प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट. मतलब ये डिस्काउंट से गवर्नमेंट का कोई वास्ता नहीं है. जेप राय, सो फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी एडिंग ऑल दिस टू 2 लाख 2 लाख 15,000 ऑन विच GST विल बी लेविड. हैव यू अंडरस्टूड इट? आगे उन्होंने सवाल पूछा है व्हाट विल हैपन अगर ये सारे ऊपर के खर्चे ऑलरेडी इंक्लूडेड है 2 लाख में. तो 2 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिंपल. अलग से ऐड करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी. हैव यू अंडरस्टूड इट? इसमें एक ही पॉइंट था कि वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस नहीं करना था. घाई में एग्जाम में लोग ये 50,000 फटाक से माइनस करके आते. ट्रस्ट मी, 20,000 वॉट एवर इज द डिस्काउंट, डोंट डू दैट. बी केयरफुल वेन एवर यू सी डिस्काउंट. पहला सवाल प्री के पोस्ट, द मोमेंट यू सी पोस्ट 3 conditions. गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर. November 2019 का सवाल. विथ रेफरेंस टू द ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? केयरफुल. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर सप्लाई ऑफ टोबैको. खत्म. यही नॉट करेक्ट है बिकॉज एक्साइज ड्यूटी इज अ नॉन GST टैक्स. अगेन पे अटेंशन, डोंट गो इन अ स्विच ऑफ मोड. कई बार आंसर कुड बी ए एंड बी, ए एंड सी, सो यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली. करेक्ट? ये केस में नहीं है बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू. ओके, सो नेक्स्ट वन, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ रेंटिंग ऑफ सर्विस. येस, नॉन GST टैक्स है. एंटरटेनमेंट टैक्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ मूवी टिकट. येस, नॉन GST टैक्स है. कस्टमर पे मेक्स अ पेमेंट ऑफ फ्रेट विच इज पेएबल बाय द सप्लायर डायरेक्टली टू सर्विस प्रोवाइडर, हाउएवर सप्लायर डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट इन इनवॉइस, बट ऑन बिहाफ पेमेंट है तो ऐड होना चाहिए. सच अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू. येस, सो ऑल दीज आर राइट राइट राइट. ओनली वन रॉन्ग इज दिस वन, फर्स्ट वन. सो ए इज द ऑप्शन, नॉट करेक्ट. हैव यू अंडरस्टूड इट? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3. मेसेस फ्लो प्रो सोल्ड अ मशीन टू BP लिमिटेड. इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन दिस रिगार्ड. पे अटेंशन. प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंसिडेंटल चार्जेस. सो नीचे दिए गया कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है. बेसिक प्राइस ऑफ द मशीन इज 30,000. मशीन वॉज सब्जेक्ट टू थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन. The inspection charges have been directly paid by BP Limited to the inspection agency. On behalf payment hai, add karna padega. Correct? Freight charges for delivery of the machine, Messrs. Flowpro has agreed to deliver the machine to BP Limited's premises. Matlab ye tumhari responsibility thi. Incidental expenses, add karna padega. Subsidy received from state government on sale of machine under skill development program. The subsidy is directly linked to the price. But which subsidy it is? हाँ, अब ध्यान से सुनो. अब ये माइनस करे के ना करे, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ऊपर के प्राइस ऑलरेडी पोस्ट सब्सिडी प्राइस है कि प्री सब्सिडी प्राइस है. 30,000 अगर पोस्ट सब्सिडी है प्राइस तो ऑलरेडी आपने माइनस किया हुआ है सब्सिडी. प्री सब्सिडी प्राइस है तो माइनस करना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंसिडेंटल चार्जेस बिलो बोला है. सो वी हैव टू अज्यूम कि ये प्राइस
बिना सब्सिडी के है, सब्सिडी कंसिडर नहीं हुआ है, और ये एजम्पशन एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, अज्यूमिंग प्राइस इज बिफोर कंसिडरिंग गवर्नमेंट सब्सिडी. तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस नहीं की 30,000 में से, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा. फिर गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब क्या रहा, झेपा क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? सो देयरफॉर यू विल हैव टू रिड्यूस इट. गवर्नमेंट सब्सिडी डिस्काउंट 2% ऑफर्ड ऑन अ प्राइस एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, प्री सप्लाई डिस्काउंट है. सो माइनस 2% ऑफ 30,000 विल बी आई गेस 600 ना. चेक, आर यू गेटिंग 31,400 एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? समझा क्या? अब जरा ध्यान देना, सब्सिडी में आपको घुमाएंगे, आई हैव अ गट फील, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में उनको कुछ कन्फ्यूज करना है ना, तो सब्सिडी में कन्फ्यूज करेंगे. हमेशा चेक करना जो प्राइस दी है वो बिल की लिस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस दी है क्या. अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ ना इनवॉइस प्राइस ऑफ द मशीन, दैट मीन्स वो अमाउंट जो तुम कस्टमर को चार्ज करने वाले हो. अब मेरे को बताओ, कस्टमर को चार्ज करते वक्त गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी ना बिल में. सो अगर वो बोले कि बिल की प्राइस जो कस्टमर को चार्ज हो रही है, तो समझने का कि ऑलरेडी सब्सिडी माइनस की हुई है. और अगर वो कुछ ना बोले, सिर्फ बोले कि लिस्ट प्राइस इतनी थी, यानी एक्चुअल एमआरपी इतनी थी, तो समझने का कि सब्सिडी अभी तक माइनस नहीं की है. कंफर्टेबल? एंड ये लिखना सब्सिडी में एक्सप्लिसिटली लिखना, सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ पेपर चेकर ऑल्सो. हैव यू अंडरस्टूड वैल्यू ऑफ सप्लाई? सो टूडे वी कवर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड योर क्वेश्चन नंबर 6. टॉस, वॉस एंड चार्ज, करेक्ट? चार्ज में क्या इंपॉर्टेंट है? आरसीएम कॉम्पोजिशन. टॉस में गुड सर्विस, ऑफकोर्स ऑल एंटायर टॉपिक इट सेल्फ इज इंपॉर्टेंट, उतना ही टॉपिक है वो. एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो कैलकुलेशन आर इंपॉर्टेंट, एंड मेनली सब्सिडी एंड डिस्काउंट दे आर प्ले फील्ड फॉर द पेपर चेकर एंड पेपर सेटर. हैव यू अंडरस्टूड इट? क्लियर? कॉन्फिडेंट? पक्का? 101%? ग्रेट. चार्ज जो ये बनाए हुए हैं, आई हैव ऑलरेडी सेंट इट आउट टू फ्यू पीपल ऑन व्हाट्सएप, इफ दे कैन सर्क्यूलेट टू द एंटायर ग्रुप दैट वुड बी वंडरफुल. ऑल राइट, चलो. सो आज यहीं पे रुकते हैं, कल हम लोग शुरुआत एग्जम्पशन से करेंगे. लेट मी थिंक अबाउट इट कि कल कर सकते हैं क्या, क्योंकि एग्जम्पशंस लिए बिना आईटीसी में जाना सही नहीं रहेगा. क्विकली एग्जम्पशंस कवर अप करेंगे, हो सके तो एक बार एग्जम्पशन का टॉपिक कल रिवाइज करके आना, तो थोड़ा स्पीड में होगा, बिकॉज उस टॉपिक में क्या पढ़ के भी समझ में आने वाला टॉपिक है वो, बट फिर भी वो फटाफट रिवाइज करेंगे और आईटीसी की तरफ जाएंगे. एक बार रिवाइज करके आना कल प्लीज एग्जम्पशंस. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.